हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं स्टार्ट करूंगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर। पहला चैप्टर है फाइलिंग ऑफ रिटर्न और सेकंड असेसमेंट प्रोसीजर। तो यह जानना जरूरी है कि जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न में जो रिटर्न वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम गूगल पे रिटर्न वर्ड को सर्च करते हैं तो डिक्शनरी में इसके बहुत सारे मीनिंग दे रखे हैं। एक मीनिंग तो वही जो आपको बताया गया था, वो फर्स्ट मीनिंग है, कम और गो बैक टू ए प्लेस और पर्सन, वापस चले जाना। लेकिन फिर बहुत सारे मीनिंग के बीच में हमें एक मीनिंग और भी मिलता है। थर्ड पॉइंट को देखिए आप, एन ऑफिशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट सबमिटेड इन रेस्पॉन्स टू ए फॉर्मल डिमांड। एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो जब हम ये फ्रेज यूज करते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑफ इनकम, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि रिटर्न वर्ड का मतलब क्या है। कई लोगों को ये पता नहीं होता है। एन ऑफिशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट सबमिटेड इन रेस्पॉन्स टू ए फॉर्मल डिमांड। ऑफिशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट आप अपने इनकम के पर्टिकुलर्स के लिए सबमिट करते हो एक फॉर्म के अंदर, क्योंकि ऐसा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी आपने इनकम को अर्न किया, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करो, उसका एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है और उसको आप सबमिट करो, उसको फर्निश करो, एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड रिटर्न। तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न का मतलब यह हो गया कि आप अपनी इनकम के पर्टिकुलर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, उसके क्या प्रोसीजर। जब आप ITR को फाइल कर देते हो तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको क्रॉस चेक करता है, उसका असेसमेंट करता है कि जो पर्टिकुलर्स आपने प्रोवाइड करे वो ठीक है या गलत है, एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड असेसमेंट प्रोसीजर। तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। असेसिंग ऑफिसर जब तक रिटर्न को फाइल करता है तब तक उसके हाथ में तीर रहता है, इट इज कॉल्ड द ITR फाइलिंग, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और जब वो फाइल कर देता है तो अब असेसिंग ऑफिसर के पास आपकी रिटर्न पहुंच जाती है, उसके बेस पे वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बेस पे वो असेसमेंट करता है, और उस चैप्टर को कहा जाता है असेसमेंट प्रोसीजर। तो पहले करेंगे हम रिटर्न ऑफ इनकम या फाइलिंग ऑफ रिटर्न, लेकिन इस चैप्टर को करने के लिए कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। आपने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया अंडर सेक्शन 139, ठीक है सर। जब आपने अपनी इनकम को फाइल किया तो सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न होती है। अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, मैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको टीच कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं असेसमेंट प्रोसीजर को आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। जब आप रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल कर देते हो तो पहले स्टेज पे असेसिंग ऑफिसर करता है प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न। प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रक्रिया जिससे कि आपकी रिटर्न गुजरती है, और 6 एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं, 6 एडजस्टमेंट्स, 6 गलतियां कह सकते हो, विच आर अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड ये मतलब हो गया जो ITR को देखने से ही पता चल जाती है। उन एडजस्टमेंट्स को, उन मिस्टेक्स को हम प्रोसेसिंग के लेवल पे ही रेक्टिफाई कर देते। असेसिंग ऑफिसर आपकी इंटेंशन पर डाउट नहीं करता है, वो ये नहीं कहता है कि मुझे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वायरमेंट है। वो उस रिटर्न को एक प्रोसेस के थ्रू पास करता है, और 6 ऐसी गलतियां हो सकती हैं अगर कमिट हुई हैं जिनको वहीं पे पकड़ लिया जाएगा, विच आर अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। तो असेसिंग ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा उन गलतियों के लिए,
वो गलतियां ऐसी हैं जो अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड हैं, जो आईटीआर को देखने से ही पता चल रही हैं और वो उसी लेवल पर रेक्टिफाई कर दी जाती हैं। जैसे कि इसमें एक गलती मैं आपको बताता हूं, अर्थमेटिकल मिस्टेक, कैलकुलेशन करने में आपसे गलती हो जाती है, प्लस माइनस करने में गलती हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन करने में आपसे गलती हो जाती है। तो असेसिंग ऑफिसर यह कहता है कि अब हम आपकी इंटेंशन पर डाउट नहीं कर रहे हैं, हम जो अगला लेवल है जिसको स्क्रूटनी असेसमेंट कहा जाता है, जांच पड़ताल, वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी गलती है जो गलती किसी से भी हो सकती है, हम ये मान ही नहीं रहे हैं जानबूझ के आपने गलती करी है, हम इस गलती को इसी स्टेज पर खुद ही ठीक कर देते। एक छोटी सी गलती मैं और बताता हूं, आप किसी भी लॉस को तभी कैरी कर सकते हैं जब आपने रिटर्न ऑफ इनकम को विद इन टाइम फाइल किया हो। अब पिछले साल की आईटीआर आपने जो टाइम लिमिट थी 139(1) के अकॉर्डिंग उसके बाद फाइल करी थी, और उस साल का लॉस आपने इस साल कैरी करके सेट ऑफ कर लिया। सॉरी, दैट इज नॉट परमिटेड, क्योंकि उस साल की आईटीआर अगर विद इन टाइम फाइल की गई थी तब भी आप लॉस को कैरी करके सेट ऑफ कर सकते हो, और आपने इस साल सेट ऑफ कर लिया। वो कहते हैं हो सकता है आपको प्रोविजन नहीं पता हो। हम ये नहीं मानते कि आपने टैक्स बचाने की गलत तरीके से कोशिश करी, ये वो गलती है जो हमें प्रोसेसिंग में ही पकड़ में आ जाएगी। हम दोनों आईटीआर को चेक करेंगे, हम पिछले आईटीआर की डेट देखेंगे और वो 139(1) की डेट के बाद होगी, हम समझ जाएंगे लॉस को सेट ऑफ नहीं होना चाहिए था, आपने लॉस को सेट ऑफ कर रखा है, हम उसको डिसअलाउ कर देंगे और दोबारा से आपके टैक्स को इंक्रीज कर देंगे। तो 6 केवल मिस्टेक्स ऐसी हैं, केवल 6, जिनको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो असेसिंग ऑफिसर प्रोसेसिंग के समय ही रेक्टिफाई कर देगा, और रेक्टिफाई करने के बाद, उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद, या तो आपकी इनकम एनहांस कर जाएगी या रिड्यूस कर जाएगी, अकॉर्डिंगली आपका टैक्स इंक्रीज कर जाएगा या रिड्यूस कर जाएगा। अगर आपका टैक्स इंक्रीज कर जाता है तो वो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर जाती है तो आपको रिफंड ग्रांट कर दिया जाएगा, आपको पैसे वापस अकाउंट में आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन, उसको ऐसा लगता है कि आपने इनकम को कम दिखाया, अब वो उन 6 मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने इनकम को डिस्क्लोज ही कम किया है, जो प्रोसेसिंग में गलतियां थी जो उसको रिकॉर्ड्स को देखने से ही पता चल रही हैं, तो वो ये मान रहा है कि शायद ये गलतियां हो गई हों, क्योंकि जो आदमी चोरी करना चाहता है वो ऐसी गलती नहीं करता है कि इजीली पकड़ में आ जाए। हो सकता है प्रोविजंस आपके दिमाग से स्लिप कर गए हों, आपको पता नहीं हो, या कोई और बाई चांस कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन अगर आपने इनकम को ही डिस्क्लोज कम किया है, अब ये ऐसी गलती हो गई जिसको आपने मैनिपुलेट किया था, जहां आपका दिमाग चला था, आप टैक्स कम पे करना चाह रहे थे डेलिबरेटली, या फिर आपने किसी लॉस को ज्यादा क्लेम कर लिया, जो लॉस आपको कम हुआ था उसको आप ज्यादा शो करते हो, अब यहां पे भी आपके लिए कंप्यूटेशन के समय आपने मैनिपुलेशन खर्चे को ज्यादा दिखाया होगा, या फिर किसी और तरीके से आपने टैक्स को कम पे किया है। तो वो कहता है कि अब हम आपकी रिटर्न की करेंगे स्क्रूटनी, और इसको कहा जाता है स्क्रूटनी असेसमेंट, और इसका सेक्शन होता है 143(3). स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच पड़ताल। जो प्रोसेसिंग के समय 6 एडजस्टमेंट्स थे, उसकी फर्दर जांच पड़ताल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी फर्दर स्क्रूटनी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। अपरेंट का मतलब हो गया अपीयर होना, जो रिकॉर्ड्स को देख के ही पता चल रहे हैं कि हां असेसी से यह गलती हो गई।
लेकिन अब अगर कोई ऐसी बात पता चलती है जिससे असेसिंग ऑफिसर को यह डाउट होता है कि डेलिबरेटली ऐसा किया गया, टैक्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड दैट इज कॉल्ड द स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन। लेकिन स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए एक नोटिस पहले भेजा जाता है और उसको कहा जाता है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। सर ये सेक्शंस याद करना जरूरी है, बेहद जरूरी है, और आप ये वीडियो देखते रहो, बहुत सारे सेक्शंस ऑटोमेटिकली आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। स्क्रूटनी असेसमेंट का ऑर्डर जो आएगा वो तो 143 सबसेक्शन 3 में आएगा। अगर कोई आपसे पूछता है स्क्रूटनी असेसमेंट का सेक्शन, तो आपको कहना चाहिए 143 सबसेक्शन 3। लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप होता है असेसी को नोटिस इश्यू करना अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस भेजता है असेसी के लिए और कहता है भाई साहब इस पर्टिकुलर डेट पे आप आ जाना ऑफिस में इन पर्सन, या किसी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव वगैरह को भी भेज सकते हो, कुछ सवाल जवाब करेंगे आपसे, उनके आप जवाब दे देना, उसके बाद उसके बेस पे मैं आपका फर्दर असेसमेंट करूंगा, मैं जज करूंगा कि आपने अपने इनकम के पर्टिकुलर सही प्रोवाइड करे हैं या गलत प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज है क्रॉस चेक करने के लिए, उनको मैं यूज करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको मौका दूंगा, आप ऑफिस में आओ, एक जगह बताई जाएगी, टाइम बताया जाएगा और आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। अगर आप ऑनेस्ट हो, आपको लगता है ठीक है, आप बिंदास जाओ, आंखों में आंखें डाल के सारे सवालों के जवाब दो। उसके बाद उसके पास कुछ और भी तरीके हैं, उनसे वो और इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद वो एक फाइनल ऑर्डर निकालेगा जिसको कहते हैं असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। तीन बातें होंगी, या तो जो टैक्स आपने शो किया था, आपने कैलकुलेट किया था, आपने पे किया था, उसी को एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी को एनहांस कर देगा, या आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। अगर बढ़ा देता है तो आपको बैलेंस पे करना पड़ेगा, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है तो आपको रिफंड अलाउ कर दिया जाएगा। सर कम हो सकती है, बिल्कुल, अगर वो ये जांच पड़ताल कर रहा है कि आपके इनकम के पर्टिकुलर सही हैं या गलत है, तो सही को सही करेगा, उसके बेस पे आपकी इनकम कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। कोई खर्चा आप क्लेम करने से भूल गए थे, जब उसने आपके पर्टिकुलर्स देखे, वो खर्चा आपको अलाउ करना चाहिए था, उसने आपको अलाउ कर दिया, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। आपने किसी एसेट पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम लगाया हुआ था, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा रखना चाहिए था, उसने ज्यादा रेट से डेप्रिसिएशन लगा दिया, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम भी हो सकती है, वो आपको बाइज्जत आपका पैसा वापस करेगा। लेकिन अगर आपके पास 143 सबसेक्शन 2 में नोटिस आता है एंड असेसी डज नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस, असेसी ने नोटिस को रेस्पॉन्ड नहीं किया, नोटिस के जो टर्म्स थे उसको उसने कंप्लाई नहीं किया। कई लोग सोचते हैं नोटिस तो आते रहते हैं, देख लेंगे बाद, यह लापरवाही, तो अब वो स्क्रूटनी असेसमेंट तो कर नहीं सकता है, क्योंकि स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए जांच पड़ताल करना जरूरी है। अब जिसकी जांच पड़ताल करनी है, जिसकी स्क्रूटनी करनी है, वो ही कॉपरेट करने को तैयार नहीं है, उससे जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है ही इज नॉट रेडी टू प्रोवाइड दोज इंफॉर्मेशन। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, अब वो स्टार्ट करता है एंड दैट इज कॉल्ड द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। शॉर्ट में बीजीए कहते हैं और सेक्शन होता है 144। अब वो स्क्रूटनी को रोक देगा, क्योंकि स्क्रूटनी के लिए ही नीड्स द इंफॉर्मेशन जो कि असेसी एग्री नहीं कर रहा है प्रोवाइड करने के लिए।
तो असेसिंग ऑफिसर टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, वो आपके बारे में बेस्ट क्या जानता है, जो आपने आईटीआर फाइल करी थी प्लस और डिफरेंट सोर्सेस से उसने आपके बारे में जो ओपिनियन बनाई, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसके बेसिस पे वो आपका असेसमेंट कंप्लीट करेगा एंड दैट इज कॉल्ड द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। क्या सर इसका भी नोटिस जाता है? यस, इसका शो कॉज नोटिस जाता है, क्यों ना आपका असेसमेंट किया जाए, वो 144 में ही जाता है और जो ऑर्डर आता है वो भी 144 में ही आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में रिफंड नहीं मिल सकता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में अगर इनकम एनहेंस करती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन रिफंड आपको अलाउ नहीं किया। अगर रिफंड आपको चाहिए था तो स्क्रूटनी में आपको कॉपरेट करना था, वहां इनकम कम हो जाती तो वहां रिफंड मिल जाता, लेकिन क्योंकि आपने वहां कॉपरेट नहीं किया तो बेजमेंट असेसमेंट जब कंप्लीट होगा तो रिफंड नहीं मिल सकता है, बराबरी पे छूट सकते या फिर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, यहां तक समझ में आता है। तो एक पॉसिबिलिटी और भी है, रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल्ड। उसने अपनी इनकम के पर्टिकुलर्स प्रोवाइड ही नहीं करे, ही डिड नॉट फर्निश द रिटर्न, जो 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट है उसमें फाइल करनी थी, या उसके बाद उसने फाइल ही नहीं करी। तो अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो असेसिंग ऑफिसर सीधे आपका बीजीए कर सकता है, वो डायरेक्टली कर सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 और आपकी इनकम के कंप्यूट कर सकता है और आपसे टैक्स लायबिलिटी डिमांड कर सकता है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर जनरली क्या करते हैं, एक नोटिस इश्यू करते हैं अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। बीजीए भी कर सकता है, लेकिन बीजीए के अलावा वो पहले आपको एक मौका दे सकता है कि आप सुधर जाओ, और उसको कहा जाता है नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। इस नोटिस में एक टाइम लिमिट दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा इस टाइम लिमिट में यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। अब फिर दो बातें हो जाएंगी, असेसिंग ऑफिसर ने सुधरने का मौका दिया कि आपकी रिटर्न ऑफ इनकम अभी तक नहीं आई है और आप फाइल कर दो। सर अगर हमें फाइल करना जरूरी नहीं था तो हमने तो इसलिए फाइल नहीं करी थी, लेकिन अगर नोटिस आ जाए तो जरूर फाइल कर देना, तो बता देना सर देख लो हम तो पहले ही कह रहे थे हमें फाइल नहीं करनी थी, ऐसा नहीं था हमारी इनकम ज्यादा थी और हमने फाइल नहीं करी थी, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। लेकिन तब भी अगर नोटिस आ गया तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना जरूरी होना। तो अब दो बातें होंगी, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड, रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल्ड। अब अगर फाइल नहीं करी तो आज तक कभी कोई स्टूडेंट गलत आंसर दिया ही नहीं, सबने कहा सर बीजीए होगा। देखो लॉजिकली बीजीए होगा, और रिटर्न ऑफ इनकम अगर आपने फाइल कर दी तो वहीं से शुरू हो जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। ये मत समझना अब आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि लेट तो आप हो चुके हो, लेट होने की जो पेनल्टीज वगैरह है वो आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपका बीजीए नहीं होगा। अब कहां से शुरुआत की जाएगी? प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न से शुरुआत। यहां जो बीजीए होगा इसमें भी नोटिस आएगा, पहले शो कॉज नोटिस जरूर आएगा, लेकिन इस वाले केस में अगर 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का नोटिस आया और उस नोटिस के जवाब में आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया, तो असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे तो आपको नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नोटिस वो इश्यू नहीं करेगा,
लेकिन उसके पास ऑप्शन है, वो डायरेक्टली आपका बीजीए कर सकता है, वो आपको नोटिस इश्यू नहीं करेगा। एकमात्र कब, जब उसने 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का नोटिस आपको भेजा और यू डिड नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, मतलब आपने उस टाइम लिमिट में अगर आईटीआर को फाइल नहीं किया, तो वो बिना नोटिस भेजे सीधे आपका कर सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। तो ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न नहीं है, ये असेसमेंट प्रोसीजर है। लेकिन मैं आपको इसलिए ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि इसका मैं यूज करूंगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न में, 3-4 जगह यूज होगा इस इंफॉर्मेशन का जो मैंने अभी अभी आपको प्रोवाइड करी। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं स्टार्ट करता हूं फाइलिंग ऑफ रिटर्न, या आप कह सकते हो रिटर्न ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? चले आगे। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। इससे पूरी डिपार्टमेंट की वर्किंग हमें समझ में आती है कि डिपार्टमेंट आईटीआर फाइल होने के बाद किस तरीके से काम करता है। अब स्टार्ट करते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ये दो बातें बताता है, द पर्सन हु आर लायबल टू फाइल द रिटर्न एंड व्हाट आर द ड्यू डेट्स टू फाइल द रिटर्न। किसको आईटीआर फाइल करना जरूरी होती है और आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट्स क्या है। तो पहली बात, हु आर लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कहता है, कंपनी और फर्म के केस में, इन केस ऑफ कंपनी और फर्म कंपल्सरी फाइलिंग। कंपनी और फर्म को आप कुछ पूछो ही मत कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है। कंपनी और फर्म को तो आईटीआर फाइल करना मस्ट है, मैंडेटरी है, फाइल करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एनी अदर पर्सन। 7 तरीके के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर पर्सन। तो कंपनी और फर्म को हम अलग कर देते हैं, कंपल्सरी फाइलिंग है, दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। लोकल अथॉरिटी बाद में करेंगे, पहले करते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल पर्सन। 6th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1), 6th प्रोवाइजो। सेक्शन के साथ जो पैरा प्रोवाइडेड से स्टार्ट होते हैं, सेक्शन के एंड में पैराग्राफ्स दे रखे होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोवाइडेड, उनको कहा जाता है प्रोवाइजो टू सेक्शन। कभी मैं आगे जब आपको एक्ट वगैरह की लैंग्वेज दिखाऊंगा तो उसमें मैं एग्जैक्टली आपको दिखाऊंगा कि प्रोवाइजो किस तरीके से दे रखे हैं। एक से ज्यादा अगर प्रोवाइडेड दे रखे होते हैं, ज्यादा पैराग्राफ जो प्रोवाइडेड से शुरू हो रखे होते हैं, तो हम कहते हैं फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो, इट मींस इट इज द एडिशनल कंडीशन। तो 6th प्रोवाइजो कहता है, जो 139 सबसेक्शन 1 का है, कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल पर्सन, इफ हिज टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6A और सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 एक्सीडेड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। 6A का मतलब आप समझते हो, 80C2 80U, इंटर में आपको बताया गया होगा। और 1038 अगर आपने STT पे किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। अगर चैप्टर 6A या फिर 1038 का बेनिफिट देने से पहले आपकी इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, 2,50,000 या फिर 3 lakhs या फिर 5 lakhs। अगर कोई वेरी सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 ईयर्स या ज्यादा है उसके लिए 5 lakh, सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है उसके लिए 3 lakh, और इसके अलावा कोई भी एसएससी है, एचयूएफ के लिए हमेशा 250, एओपी बीओआई के लिए हमेशा 250,
आर्टिफिशियल पर्सन के लिए हमेशा 250, इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट के लिए हमेशा 250, लेकिन अगर कोई रेसिडेंट है तो वो 60 से कम एज का होना चाहिए, उसके लिए 250। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि ये पैरा क्या कहना चाहता है, लेकिन पहले आप थियोरेटिकली सुनो। डिडक्शन 80C2 80U का बेनिफिट देने से पहले या एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1038 को इफेक्ट देने से पहले आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो इंडिविजुअल HUF, AOPBOI या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन को ITR फाइल करना जरूरी होता है। इस बात को आप इन चार एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझो। तीन एग्जाम्पल ये हैं और एक एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट पेज पर दे रखा है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल में हम डिस्कस करते हैं, मिस्टर एक्स रेजिडेंट है और उसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स होगा दैट इज 2,50,000। अब उसकी GTI है 2,40,000, उसने 80C का डिडक्शन क्लेम किया 30,000 का और टोटल इनकम है 2,10,000। वो मुझसे कहता है सर मेरा टैक्स जीरो है इसलिए मुझे ITR फाइल करना जरूरी नहीं है। और ऐसा ही मैक्सिमम लोग कहते हैं, मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि अगर टैक्स लायबिलिटी जीरो है तो ITR फाइल करना जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है, अभी यहां पर प्रूव होगा। मैं कहता हूं टैक्स लायबिलिटी से डिसाइड मत करो। आप अगर 80C2 80U का बेनिफिट नहीं लेते तब आपकी इनकम की एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती। तो मैंने लिखा टोटल इनकम बिफोर 80C, 210,000 रुपए में 30,000 को ऐड कर दिया दोबारा से तो उसकी इनकम आ गई 2,40,000, क्योंकि ये इनकम 2,50,000 को एक्सीड नहीं करती है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। आप पहले दूसरा एग्जाम्पल समझो तो आपको डिफरेंस समझ में आए। अब एक दूसरा पर्सन मुझसे कहता है सर मेरी GTI 3,60,000 और सर मैंने 80C का बेनिफिट लिया 1,20,000 का, सर मेरी टोटल इनकम 240 और स्लैब के अकॉर्डिंग मेरा टैक्स जीरो हो गया, सर मैं ITR फाइल करूं नहीं कर, मैं क्यों टैक्स से डिसाइड ही नहीं करना है। अगर 80C2 80U का बेनिफिट देने से पहले तो अगर हम 240 में 120 एड कर दें तो उसकी इनकम आ जाएगी 3,60,000 और ये 2,50,000 रुपए से ज्यादा है। उसने भले ही अपना टैक्स जीरो कर लिया लेकिन टैक्स जीरो था नहीं। आप बात समझ पा रहे हो? इनकम टैक्स ने आपको टैक्स प्लानिंग के बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें डिडक्शंस 80C2 80U एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट है। आप कुछ स्पेसिफिक जगह इन्वेस्ट करके या अपने पैसे को स्पेंड करके 80C2 80U का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो और उस वजह से आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम जा सकती है। इट डज नॉट मीन कि आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी, बट आपने 80C2 80U में से एक या दो या कुछ ज्यादा डिडक्शंस का इस तरीके से बेनिफिट लिया कि आपने अपनी टोटल इनकम को कम कर लिया और आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम ये तो जानना चाहेंगे जो आपने इनकम टैक्स के प्रोविजंस का बेनिफिट लिया उसके लिए आप एप्लीकेबल थे या नहीं थे, उसके लिए आप एलिजिबल थे या नहीं थे, आपने 80C का बेनिफिट सही तरीके से क्लेम किया या नहीं। पहले वाले केस में तो वो अगर 80C2 80U का बेनिफिट नहीं भी लेता तब भी उसकी इनकम जीरो थी, टैक्स लायबिलिटी जीरो थी, 2,50,000 रुपए से उसकी इनकम थी। लेकिन दूसरे केस में अगर वो 80C का बेनिफिट नहीं लेता तो उसकी इनकम 250 से ज्यादा है, 3,60,000। तो जितने भी लोगों को आप जानते हो और ये कोर्स करने के बाद जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्हें समझाना कि टैक्स के बेस पर डिसाइड नहीं होता है कि ITR फाइल करनी है नहीं। हो सकता है आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो लेकिन तब भी आपको ITR फाइल करना जरूरी हो सकता है। आपने इनकम टैक्स के किसी सेक्शन को यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर लिया तो इनकम टैक्स जानना चाहता है कि उस सेक्शंस के प्रोविजंस को प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया गया या नहीं किया गया और आपको ITR फाइल करना जरूरी होगा। क्या डिफरेंस समझ में आया? हाँ जी सर आता है। अब सिचुएशन थ्री की बात करते हैं। सिचुएशन थ्री में एक थर्ड पर्सन है, वो कहता है सर मैंने आपका सिचुएशन वन भी सुन लिया, सिचुएशन टू भी सुन लिया, सर मुझे ITR फाइल नहीं करनी है, आई एम श्योर।
मैंने कि भाई साहब कैसा डिसाइड किया? उसने कहा सर मुझे तो लॉस हुआ है 1,00,000 रुपए का। अब मैं 80C 280 क्लेम ही नहीं कर रहा हूं, 1038 मेरी इनकम ही नहीं है, मुझे तो 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ है। अब मुझे ITR फाइल करना जरूरी नहीं है, आपके कन्वर्सेशन से अभी तक तो यही लगा। मैंने कि आपने बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन किया, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं पूछेगा आपने ITR को फाइल क्यों नहीं किया, अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि मुझे लॉस हुआ था। लेकिन अगर अगले साल आप इस 1,00,000 रुपए को कैरी करके सेट ऑफ करना चाहते हो, बोले हाँ वो तो मैं करूंगा, मुझे लॉस हुआ है, 8 साल तक की मुझे परमिशन मिलती है कैरी करके सेट ऑफ करने की, तो मैंने कहा अगले साल असेसिंग ऑफिसर पूछेगा आपसे भाई साहब ये 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ था, हमारे सामने तो कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया आपने, क्या वास्तव में लॉस हुआ था? आप इस 1,00,000 रुपए के लॉस को भूलना चाहते हो, आप बिल्कुल ITR फाइल मत करो। लेकिन अगर आप इस 1,00,000 रुपए को कैरी करके सेटअप करना चाहते हो तो इसके पर्टिकुलर आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन उसको फिर हम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 नहीं कहेंगे, फिर उसको कहा जाएगा 139 सबसेक्शन 3 रिटर्न ऑफ लॉस। तो जहां तक रिक्वायरमेंट की बात है, रिक्वायर्ड नहीं है, आप चाहो तो मत करो, लेकिन फिर आपको लॉस भूलना पड़ेगा। लेकिन लॉस को अगर आप कैरी करना चाहते हो तो फाइल करना जरूरी है, लेकिन वो प्रोविजंस हम पढ़ेंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में। इसलिए मैंने यहां पे लिखा नॉट रिक्वायर्ड, हाउएवर रीड विद सेक्शन 139(3). 139(3) में क्या रिक्वायरमेंट है वहां पे जाके चेक करेंगे। ठीक है सर, समझ में आता है। और आखिरी एग्जांपल है 1038 पे बेस्ड। आपको याद होगा अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल करते हो और आपने STT पे किया हुआ है तो इट वॉज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। अब इस सिचुएशन को देखो, एक आदमी की PGBP की इनकम है 2,40,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,00,000 रुपए का है विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38, तो इंक्लूड नहीं होगा GTI के अंदर, तो GTI आ गई 2,40,000। उसने डिडक्शंस भी कोई क्लेम नहीं करे, उसकी टोटल इनकम 2,40,000, तो टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई। फिर अगेन बिफोर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 280U और बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द सेक्शन 1038, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर सेक्शन 1038 नहीं होता, अगर आपका यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता तो फिर आपकी इनकम हो जाती 6,40,000, 240 PGBP, 4,00,000 रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दिस अमाउंट एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। टैक्स लायबिलिटी थी, लेकिन सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 का बेनिफिट क्लेम करके आपने अपनी इनकम को 2,50,000 से कम कर लिया और इसलिए आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो गई। लेकिन अगर आप 1038 का बेनिफिट नहीं लेते तो आपकी इनकम 6,40,000 थी। इट इज मोर देन मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज 2,50,000। इसलिए ITR फाइल करना जरूरी है। असेसिंग ऑफिसर यह चाहता है कि 1038 का जो बेनिफिट आपने क्लेम किया वो सही तरीके से क्लेम किया गया है या नहीं किया गया है। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछता है कि ITR फाइल करना जरूरी है या नहीं, तो आप लीगली बताओगे, सही प्रोविजंस के साथ बताओगे, इन केस ऑफ कंपनी एंड फर्म ऑलवेज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BOI और आर्टिफिशियल पर्सन, इफ टोटल इनकम बिफोर एलोइंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 और बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1038 इनकम एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तब इन चार असेसी के लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आता है, आगे चल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब करते हैं फोर्थ प्रोवाइजो एंड फिफ्थ प्रोवाइजो। फोर्थ प्रोवाइजो कहता है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन रिलेशन टू एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडिविजुअल है और वो ROR है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, आपको स्टेटस में पढ़ाया गया होगा किसी इंडिविजुअल के 3 स्टेटस होते हैं, ROR, RNOR, NR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट,
रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और एनआर मीन्स नॉन रेजिडेंट. अगर कोई आरओआर है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, वो ऊपर लिखे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. 80C280U का बेनिफिट देने से पहले या 1038 का बेनिफिट देने से पहले हिज इनकम डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स. लेकिन फिर भी उसको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी. अगर कोई एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, अगर उसकी कोई भी एसेट इंडिया से बाहर लोकेटेड है, तो भूल जाओ ऊपर जो प्रोविजंस लिखे थे, अब उसको आईटीआर फाइल करना मस्त है, करना ही पड़ेगा. तो ये प्रोविजंस डिस्कस किए गए हैं फोर्थ प्रोवाइजो में एंड फिफ्थ प्रोवाइजो में. क्या कहते हैं? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ए पर्सन बींग रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). जो ऊपर लिखे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नहीं है, अगर उनके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है फिर तो फाइल करेगा ही करेगा. उनके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नहीं है तब भी फाइल करेगा. कब? हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड्स एज ए बेनिफिशियल ओनर एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी. इंडिया से बाहर कोई एसेट लोकेटेड है और उसका अगर वो बेनिफिशियल ओनर है, तो भले ही इनकम टैक्स के और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, लेकिन तब भी उसको कंपलसरी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी और अपनी इन एसेट्स के पर्टिकुलर्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे इफ ही इज द बेनिफिशियल ओनर. अब सर बेनिफिशियल ओनर क्या है? For the purpose of this section, beneficial owner means an individual who has provided directly or indirectly consideration for the asset for the immediate or future benefit. अगर इंडिया से बाहर किसी भी एसेट के लिए आपने consideration दिया था, whether directly or indirectly, और उस एसेट से आप इमीडिएटली बेनिफिट ड्राइव करते हो या फ्यूचर में ड्राइव करोगे, तो आपको कहा जाएगा बेनिफिशियल ओनर. इसको पहले एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. मिस्टर ए का एक फ्रेंड मिस्टर बी इंडिया से बाहर रहता है. उसने मिस्टर बी को रूरल एग्रीकल्चरल लैंड गिफ्ट किया. अब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, इसलिए इसको गिफ्ट करने से किसी भी तरीके की कोई भी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी. 5 करोड़ रुपीस का लैंड था, उसने गिफ्ट कर दिया मिस्टर बी के लिए रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. ठीक है, मिस्टर बी ने क्या किया? इंडिया से बाहर एक घर खरीदा 5 करोड़ रुपए का और उसकी इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी मिस्टर ए को दे दी. इरिवोकेबल का मतलब इस पावर ऑफ अटॉर्नी को वो वापस नहीं लेगा, और पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब मिस्टर ए जैसे भी चाहे उस तरीके से इस प्रॉपर्टी को डील कर सकता है, लेट आउट करे, रेंट को एंजॉय करे, फ्यूचर में कभी सेल करना चाहता है तो सेल भी कर सकता है. हर तरीके की पावर मिस्टर ए होती थी. अब इस प्रोवाइजो से पहले मिस्टर ए कहता था कि मेरी इनकम 80C280U का बेनिफिट देने से पहले डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो मैं आईटीआर फाइल नहीं करूंगा. लेकिन अब ये फोर्थ प्रोविजो कहता है यू आर द बेनिफिशियल ओनर. अब हम इनकम की बात ही नहीं कर रहे हैं. आप कहते हो लेकिन वो एसेट तो मिस्टर बी के नाम से है. बोले मिस्टर बी के नाम से है लेकिन कंसिडरेशन तो आपने प्रोवाइड किया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम आपको बेनिफिशियल ओनर नहीं कह रहे हैं, ओनर तो बी है, बट यू आर द बेनिफिशियल ओनर. हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपने पहले उसको एक ऐसी एसेट ट्रांसफर कर दी जहां इनकम टैक्स अराइज नहीं होगा, फिर उसने उस पैसे से एक घर खरीद लिया, उस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी उसने आपको दे दी. कि हमें यह खेल समझ में नहीं आता है. हम भी जानना चाहेंगे जो आपने ट्रांसफर किया था लैंड, वो क्यों ट्रांसफर किया था, कितनी वैल्यू का था, हमें भी सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो गया. ठीक है,
हाँ जी सर। दूसरे केस में हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर इज ए बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर बेनिफिशियल ओनर नहीं हो तो अगर तुम बेनिफिशियरी हो तब भी तुमको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। सर बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियरी मींस एन इंडिविजुअल हु ड्राइव्स बेनिफिट फ्रॉम द एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द कंसिडरेशन ऑफ सच एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाई एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन किसी और ने दिया था लेकिन उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप समझो इस बात के लिए। मिस्टर बी ने एक 5 करोड़ रुपए का घर खरीदा इंडिया से बाहर। अब मैं पहला वाला पोर्शन नहीं बोल रहा हूं कि उसने गिफ्ट किया, उसने बाहर 5 करोड़ रुपए का गिफ्ट खरीदा मिस्टर बी ने, और उसकी इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी उसने मिस्टर ए को दे दी कि जो भी बेनिफिट इस प्रॉपर्टी से होगा उसको कौन रिसीव करेगा? मिस्टर ए। रेंट रिसीव होगा तो मिस्टर ए रिसीव करेगा, कभी बेचने की पावर है तो मिस्टर ए के पास है। अब मिस्टर ए कहता है कि मैं तो बेनिफिशियल ओनर भी नहीं हूं क्योंकि मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कोई भी कंसिडरेशन प्रोवाइड नहीं किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इस केस में आप बेनिफिशियल ओनर नहीं हो लेकिन आप बेनिफिशियरी हो, कंसिडरेशन किसी और ने दिया लेकिन जो भी बेनिफिट है वो ड्राइव कौन कर रहा है, वो रिसीव कौन कर रहा है? वो आप रिसीव कर रहे हो। बोले हमें भी पर्दे के पीछे की कहानी समझ में आ रही है। पहले वाले केस में आपने कंसिडरेशन दिया हमें दिखाई पड़ गया, अब आपने कंसिडरेशन किसी ऐसे मोड से दिया जो कि विजिबल नहीं है लेकिन हमें समझ में आ रहा है। कोई भी 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है तो किसी ना किसी तरीके से आपने 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर तो किए होंगे, इतनी मेहरबानी क्यों करेगा बी आपके ऊपर? हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू, हवाला पैसे को इंडिया से बाहर भेजने का एक इलीगल तरीका, नेट पर सर्च करना हवाला का पूरा प्रोसीजर पता चलेगा। जानना चाहते हैं आपने उस ट्रांजैक्शंस के थ्रू भेजा होगा, हमें भी समझ में आता है, हम भी जानना चाहेंगे भाई ऐसी एसेट 5 करोड़ रुपए की एसेट और पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दी गई, आपने इसमें जो कंसिडरेशन दिया वो तो छुपा लिया, उसको तो आपने डिस्क्लोज नहीं किया किसी ऐसे माध्यम से, ऐसे मीडियम से जो विजिबल नहीं है, लेकिन आप उसके बेनिफिशियरी बन गए अल्टीमेटली। उस 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को एंजॉय तो आप ही कर रहे हो, तो हम आपको नहीं बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर लेकिन हम आपको बेनिफिशियरी तो बोलेंगे। तो अगर आपने कंसिडरेशन दिया तो आप ए के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल ओनर और आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। कंसिडरेशन आपने दिया ये प्रूव नहीं हो रहा है लेकिन बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं क्योंकि बेनिफिशियरी में क्या लिखा हुआ है? ड्राइव्स बेनिफिट फ्रॉम द एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो अभी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी और जिस प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ऊपर लिखे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो 6th प्रोविजन था फाइल करना जरूरी है, फिर तो फाइल होगी ही होगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है तब भी 4th प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर आप बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी हैं तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। और सर 5th प्रोविजन क्या कहता है? 5th प्रोविजन ये कहता है अगर बेनिफिशियरी की इनकम बेनिफिशियल ओनर की इनकम में इंक्लूड होती है इंडिया के अंदर इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, तो बेनिफिशियरी के लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी नहीं होगा। लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, समझ में एग्जांपल के बाद ही ज्यादा आएगी लेकिन पढ़ लेते हैं। 4th प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल बींग द बेनिफिशरी ऑफ एन एसेट। बेनिफिशरी पे 4th प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, इतना मतलब रिटर्न ऑफ इनकम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। हाँ जी सर, यही मतलब हो गया। जब 4th प्रोविजन अप्लाई नहीं हुआ बेनिफिशरी पे, कब? वेयर इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट इज इंक्लूडेबल, मतलब क्लब्ड,
इन द इनकम ऑफ बेनिफिशियल ओनर। मतलब समझो, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। हस्बैंड ने इंडिया से बाहर वाइफ के नाम से मकान खरीदा। अब क्योंकि कंसिडरेशन हस्बैंड ने दिया तो हस्बैंड तो हो गया बेनिफिशियल ओनर, और जो भी उससे बेनिफिट होगा वो कौन रिसीव करेगा? वाइफ। तो वाइफ हो गई बेनिफिशियरी। इन दो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन जो देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियल ओनर, और जो फ्यूचर में या इमीडिएट बेनिफिट रिसीव करेगा वो क्या हो जाएगा? बेनिफिशियरी। अब हस्बैंड ने वाइफ के नाम से इंडिया के बाहर से एसेट खरीदी, तो बेनिफिशियल ओनर हस्बैंड और वाइफ विल रिसीव द बेनिफिट्स, विल ड्राइव्स द बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो वाइफ क्या हो गई? बेनिफिशियरी। तो ऊपर लिखे प्रोविजो के अकॉर्डिंग हस्बैंड को भी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी और वाइफ को भी। लेकिन हमने पढ़ा हुआ इनकम टैक्स के अकॉर्ड अंदर, इफ एनी एसेट ट्रांसफर बाई एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, then income from such asset will be clubbed in the income of the transferor, in the income of individual. क्योंकि without consideration husband ने wife को घर दे दिया, तो जो भी income होगी वो किसकी income में include कर दी जाएगी? husband की income में include कर दी जाएगी। तो wife benefit को drive कर रही है, लेकिन income tax के according वो wife की income ही नहीं मानी जाएगी, वो husband की income में include कर दी जाएगी। इसलिए इस वाले केस में केवल बेनिफिशियल ओनर दैट इज हस्बैंड को आईटीआर फाइल करना जरूरी है और वाइफ को आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो कोई आपसे पूछता है किसी आदमी की इनकम है ही नहीं, इन जनरल ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, क्या तब भी आईटीआर फाइल करना जरूरी हो सकता है? तो आपको उसको डिस्कस करना चाहिए फोर्थ प्रोविजो एंड फिफ्थ प्रोविजो इन केस ऑफ बेनिफिशियल ओनर और इन केस ऑफ बेनिफिशियरी इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। असेसी को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है इन रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ द। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब हमें पढ़ना चाहिए टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, ड्यू डेट्स क्या होती हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। 31st जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर इन जनरल, लेकिन तीन केस में होती है 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसी इज ए कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी लास्ट डेट टू फाइल द रिटर्न इज ऑलवेज 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अदर देन कंपनी, कंपनी के अलावा कोई भी असेसी हो, अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। इनकम टैक्स एक्ट की केवल बात नहीं चल रही है, इनकम टैक्स एक्ट या किसी और लॉ में भी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड तो आपके लिए जो टाइम अलाउ किया जाएगा दैट इज 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। वर्किंग पार्टनर इन ए फर्म, इफ अकाउंट्स ऑफ फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। तीसरे पॉइंट को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इन जनरल कोई अगर आपसे पूछता है कि आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, तो कंपनी के केस में इट इज ऑलवेज 30th सितंबर। अदर देन कंपनीज, इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इट इज 30th सितंबर, इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इट इज 31st जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसका कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है, कंपनी के लिए 30th सितंबर, कंपनी के अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपके ऑडिट होते हैं 30th सितंबर, अगर ऑडिट नहीं होते हैं 31st जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। हाँ जी सर। तो अब तीसरा केस करते हैं, एक पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में, उस पार्टनर के अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं होने हैं, अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं होने हैं तो हम बोलेंगे 31st जुलाई, लेकिन अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ।
अब आप बोलोगे दो अलग अलग असेसी हैं, पार्टनर अलग असेसी है, इंडिविजुअल फर्म अलग है। पार्टनर्स के क्योंकि अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं होने हैं तो 31 जुलाई, फर्म के अकाउंट्स ऑडिट होने हैं इसलिए 30 सितंबर। लेकिन नहीं, अगर फर्म के अकाउंट ऑडिट होने हैं तो जो वर्किंग पार्टनर है उसके अपने अकाउंट्स अगर ऑडिट नहीं भी होने हैं तब भी उसके लिए जो टाइम अलाउ किया जाएगा दैट इज 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। एंड रीजन इज वेरी क्लियर, जब आपने असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म किया था तो याद करो पार्टनर्स को कितना रेम्यूनरेशन अलाउ किया जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उससे ज्यादा का रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को अलाउ नहीं हो सकता है। वो आपने एक स्लैब पढ़ा होगा, अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक था तो 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवरेज हायर, और 3 लाख से ऊपर अगर बुक प्रॉफिट होता था तो 3 लाख के एक्सीडिंग अमाउंट का 60%। हाँ जी सर, याद है। तो अगर आपको पार्टनर की इनकम कंप्यूट करनी है वर्किंग पार्टनर की, तो आपको पार्टनरशिप फर्म के बुक प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी, और पार्टनरशिप फर्म का बुक प्रॉफिट कब पता चलेगा, व्हेन अकाउंट्स हैज बीन ऑडिटेड, क्योंकि जब उसके अकाउंट ऑडिट हो जाएंगे तब एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म का कितना बुक प्रॉफिट है ये पता चलेगा। तो ये पता चलेगा पार्टनर्स को कितना रेम्यूनरेशन अलाउ किया जा सकता है, उसके बेस पर फिर पार्टनर अपनी इनकम को कंप्यूट करेगा। तो अब उसका अपना जो इंडिविजुअल असेसमेंट है वो किससे एसोसिएट हो गया, ऑडिट ऑफ द फर्म, क्योंकि फर्म का ऑडिट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर कोई फर्म का वर्किंग पार्टनर है उसके अपने अकाउंट्स ऑडिट होना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जिस फर्म का वो पार्टनर है अगर उस फर्म के अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है तो उस पार्टनर के लिए भी लास्ट डेट अलाउ की गई है 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तीसरे पॉइंट को बाद में देखेंगे। कंपनी ऑलवेज 30 सितंबर, अदर देन कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड 30 सितंबर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक असेसी जिसके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होने हैं उसके लिए लास्ट डे 30 सितंबर, वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म इफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, ठीक है। और एक आखिरी केस है 30 नवंबर, अगर असेसी को सेक्शन 92E में रिपोर्ट फाइल करना जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपने किया होगा और आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आगे टीच करूंगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में असेसी को एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 92E। कितने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में ही एंटर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और यह जो रिपोर्ट होती है ये रिटर्न ऑफ इनकम के साथ जाती है। इस रिपोर्ट को फर्निश करने की लास्ट डेट होती है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और क्योंकि यह रिपोर्ट आईटीआर के साथ जाती है और इसकी अपनी डेट 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर है, इसलिए इस केस में असेसी की आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट भी क्या कर दी गई, 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो दोनों डेट्स क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई, आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट भी और 92E में जो रिपोर्ट आपको फर्निश करनी है उसकी डेट। तो इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस अगर 92E में आपको रिपोर्ट फाइल करनी है तो फिर आपके लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट हो जाएगी 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो केवल और केवल ये 3 डेट्स हैं आईटीआर फाइल करने की, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, एंड इन वन केस इट इज 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। सर अगर इस टाइम के बाद हम आईटीआर फाइल करते हैं तो क्या होगा, तो आगे फाइल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो मैं टीच करूंगा बिलेटेड रिटर्न के अंदर कि कितना टाइम मिलेगा 139 सबसेक्शन 4। लेकिन अगर आप इस डेट के बाद फाइल करते हो तो फाइनेंस एक्ट 2017 ने आपसे कहा कि हम आपसे पेनल्टी चार्ज करेंगे, जिसको वो लोग फी कह रहे हैं, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम 234F। 234 वैसे तो इंटरेस्ट का सेक्शन था, 234A, 234B, 234C,
और उसी सेक्शन में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 234F। अगर ITR को आप लेट फाइल करते हो, जो ऊपर डेट्स लिखी हुई हैं, तो आपको कितनी पेनल्टी या फी पे करनी पड़ेगी। बहुत जरूरी अमेंडमेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है, एग्जाम में आने के जबरदस्त चांसेस, बहुत ज्यादा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज को एक्सीड नहीं करती है तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी फिक्स्ड 1000 रुपीज। लेकिन अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 5 लाख रुपीज को, तो हम देखेंगे आपने ITR कब तक फाइल करी। ड्यू डेट के बाद, लेकिन टिल 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी 5000। और अगर 31 दिसंबर के बाद, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी 10000। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज को एक्सीड नहीं करती है, तो लेट फाइलिंग की डेट मत देखो, इट इज ऑलवेज 1000। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज को एक्सीड कर जाती है, तो फिर दो रेट्स, दो फीस हो जाएंगी। अगर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक ITR फाइल कर दी, यू आर रिक्वायर्ड टू पे फीस ऑफ रुपीज 5000। इंटरेस्ट अलग चीज है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। यहां पे पेनल्टी की बात चल रही है, जिसको वो लोग फीस बोल रहे हैं। और 31 दिसंबर के बाद अगर आप फाइल करते हो, तो आपके लिए फीस पे करनी पड़ेगी 10000। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक हमें समझ में आ। अगर आपको यहां तक समझ में आता है, तो मैं 4 सेक्शंस आपको और टीच करना चाहूंगा, 139-4A, 139-4B, 139-4C एंड 139-4D। आप पहले 139-4A समझो, तो आपको बाकी के सेक्शंस समझने में बहुत इजी हो जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम जब आप कंप्यूट करते हैं, तो ट्रस्ट को एक एग्जेम्पशन दिया जाता है अंडर सेक्शन 11 एंड 12। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो 15% जनरल एग्जेम्पशन होता था और 85% एप्लीकेशन बेस्ड एग्जेम्पशन होता था सेक्शन 11 एंड 12। वैसे तो हमें टीच किया गया था कि कोई भी एग्जम्पशन होता है सेक्शन 10 में होता है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट के जो एग्जम्पशंस के सेक्शन हैं, वो 11 एंड 12 होती। और 11, 12 के बेनिफिट को लेके ट्रस्ट अपनी इनकम को ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो कर लेते हैं। उनकी GTI ही जीरो हो गई, वो डिडक्शंस 80C to 80U का बेनिफिट क्लेम ही नहीं करते हैं। तो अगर हम 139 सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस लगाते हैं कि 80C to 80U का बेनिफिट देने से पहले SSC की इनकम एक्सीड करती है, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में तो बेनिफिट वो क्लेम ही नहीं करते हैं, उससे पहले ही उनकी इनकम जीरो हो जाती है। GTI जीरो, डिडक्शंस क्लेम ही नहीं किया, टोटल इनकम जीरो। वो कहते हैं 80C to 80U से पहले हमारी इनकम देख लो, तब भी 2.5 लाख रुपए से कम हो। तो अगर हम जनरल प्रोविजंस लगा दें चैरिटेबल ट्रस्ट पर, तो चैरिटेबल ट्रस्ट इज नेवर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। इसलिए चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए सेक्शन बनाया गया 139 सबसेक्शन 4A। और क्या लिखा गया, इफ टोटल इनकम Before exemption under section 11 and 12 exceeds the maximum amount not chargeable to tax. अब हम before 80C to 80U और 1038 नहीं देखेंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में बिफोर अलाउिंग एग्जम्पशन 11 एंड 12 अगर इनकम 250,000 को एक्सीड कर जाती है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ITR फाइल करना जरूरी होगा। ड्यू डेट्स वगैरह सब कुछ सेम रहेंगी, बाकी प्रोविजन सारे 139(1) वाले लगेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ऑल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स शैल अप्लाई एज इफ इट वर ए रिटर्न फर्निस्ड। अंकल नहीं है, ये अंडर है, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। मानी यही जाएगी 139(1) के अकॉर्डिंग फाइल की गई, लेकिन जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, बिफोर गिविंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12। और ये लॉजिक आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 139 सबसेक्शन 4B, जो बिल्कुल इसी से मिलती जुलती है, और इमीडिएटली आपको समझ में आएगा कि 139 4B को क्यों बनाया गया है।
जिस तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट में सेक्शन 11 एंड 12 का बेनिफिट लिया जाता था और उसके थ्रू इनकम को रिड्यूस किया जाता था, पॉलिटिकल पार्टी के लिए एग्जम्पशन अलाउ की जाती है और सेक्शन है 13A। जब आप मेरी वीडियो देखोगे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, उसमें मैं पॉलिटिकल पार्टी का असेसमेंट भी टीच करूंगा। इसका मतलब ही हो गया कि वहां पे मैं आपको सेक्शन 13A टीच करूंगा। लेकिन 13A से आप इतना समझ सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी की जितनी भी इनकम होती है वो ऑलमोस्ट सारी एग्जम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 13A। अब वो 13A में एग्जम्प्ट कर रहे हैं अपनी इनकम के लिए तो उनकी GTI ऑलमोस्ट निल हो गई। अब वो डिडक्शंस 80C टू 80U का बेनिफिट क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर 139 सबसेक्शन 106 प्रोविजो लगाते हैं तो टोटल इनकम बिफोर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो वो एक्सीड करती नहीं है उनकी इनकम। वो कहते हैं हमारी 2.5 लाख रुपए से अभी भी कम है तो हम ITR फाइल नहीं करेंगे। तो इसलिए लिखा गया कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की टोटल इनकम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 13A देने से पहले एक्सीड कर जाती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए ITR फाइल करना जरूरी हो। तो क्या लिखा है, टोटल इनकम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी बिफोर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 13A एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए ITR फाइल करना जरूरी हुआ। और क्या टाइम लिमिट्स होंगी, अगर लेट फाइल की जाती है तो क्या प्रोविजंस होंगे, वो सब कुछ 139 सब सेक्शन 1 वाले, क्योंकि लिखा हुआ है ऑल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट शैल अप्लाई एज इफ इट वर ए रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 139। बस कंडीशन जो ITR फाइल करने की थी वो 139(4B) से बोरो कर ली, बाकी जितने भी प्रोविजंस थे वो 139 सब सेक्शन 1 के अप्लाई। तो जो मैंने यहां पे चार सेक्शन लिखे, 139(4) है चैरिटेबल ट्रस्ट, 139(4B) पॉलिटिकल पार्टी, अब बात करते हैं 139 सबसेक्शन 4C। बहुत सारे एसोसिएशन एजेंसीज फंड्स ट्रस्ट ऐसे होते हैं जिनकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है एक स्पेसिफिक सेक्शन 10 और उसके स्पेसिफिक सबसेक्शन के अंदर। जैसे कि रिसर्च एसोसिएशंस कुछ होते हैं उनकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 21 को। चलो जो आपने किया वो मैं बताता हूं, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D के अंदर। जो कुछ बड़े बड़े चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C में। तो इतने सारे तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ये समझ लो यहां पे जो भी ट्रस्ट लिखे गए हैं, जो भी फंड्स लिखे गए हैं, या एजेंसीज लिखी गई हैं, या एसोसिएशंस लिखे गए हैं, इनके लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन 10 उसका सबसेक्शन बनाया गया है जिसमें उनकी पूरी इनकम ऑलमोस्ट हमेशा एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो इनको रिटर्न फाइल करने के दायरे में अगर लेके जाना है तो अकॉर्डिंगली लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। और 139 सबसेक्शन 4C यही कहता है कि जो इनको रेस्पेक्टिव एग्जेम्पशन मिलती है जितने भी ऊपर इंस्टीट्यूशन लिखे हैं शैल इफ टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, जिस सेक्शन में इनकी इनकम पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो रही है उस सेक्शन का बेनिफिट देने से पहले अगर इनकी इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, तो इन ट्रस्ट के लिए, इन फंड्स के लिए, एजेंसीज के लिए, एसोसिएशंस के लिए, या जो भी इनका स्टेटस है, ITR फाइल करना जरूरी हो जाएगा। फिर मैंने एंड में वही लिखा कि बस केवल ये फाइल करने की कंडीशन है, इसके बाद जितने भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे वो 139(1) के एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि यही माना जाएगा इट इज फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो सर परपज क्या है 139(4C) का, तो मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 139(4C) इज टू इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू चेक
whether these institutions are satisfying the conditions mentioned in the respective sections subject to which exemption has been granted. अगर आप सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो इन सब सेक्शंस जो 10 के हैं उसमें आपकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है. तो असेसिंग ऑफिसर ये एंश्योर करना चाहेगा कि जो आप एग्जेम्प्शन क्लेम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं उस एग्जेम्प्शन को क्लेम करने की वो आपने सेटिस्फाई करी है या नहीं करी. और इस सीरीज में आखिरी है 139 सब सेक्शन 4D. 139 सबसेक्शन 4D, इसको ध्यान से देखो. आपने सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 किया होगा, साइंटिफिक रिसर्च एसेट डोनेशन PGBP में डिडक्शन मिलता था. तो चार क्लॉजेस थे, 1 और यहां 4 लिखूंगा, यहां 2 लिखूंगा और यहां 3 लिखूंगा. मैं रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूं, अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते थे फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में आपको 100% का डिडक्शन मिल जाता था. अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर साइंटिफिक रिसर्च आप कर रहे हो और उसके लिए आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, तो जो भी उस एसेट की कॉस्ट होती थी वो पूरी की पूरी माइनस कर देते थे. ये क्लॉज 4 में लिखा हुआ है. फिर आपने दो क्लॉज और पढ़े होंगे, हो सकता है क्लॉज के तरीके से आपको नहीं याद लेकिन प्रोविजंस आपको याद होंगे. अगर आप किसी भी रिसर्च एसोसिएशन के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए या कॉलेजेस के लिए डोनेशन देते थे, कंट्रीब्यूशन देते थे फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो आपको वेटेड डिडक्शन मिलता था. वेटेड का मतलब जो आपने डोनेशन दिया उससे ज्यादा का 150%, आपको डोनेशन देने वाले को, डोनर को. इसी तरीके से अगर आपने किसी यूनिवर्सिटीज के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए आपने डोनेशन दिया और आपने डोनेशन दिया सोशल साइंस फॉर एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो डोनेशन देने वाले को डिडक्शन मिलता था 100%. अगर ये परसेंटेज आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो इसलिए क्योंकि इन परसेंटेज को अब चेंज कर दिया गया. मैं आपके रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के हिसाब से ये परसेंटेज बोल रहा हूं. क्या क्या एक्चुअली अमेंडमेंट्स हुए हैं मैं आपको PGBP वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन 150% अब डिडक्शन मिलता है अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, और अगर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल पर्पज के लिए आपने डोनेशन दिया हुआ है डिडक्शन मिलता था 100%. तो अब क्या कहना चाहता है 139(4)(d), एवरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 और सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, इनकी बात की जा रही है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139. वैसे उन्हें जो ऊपर अभी तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से उनको ITR फाइल करना बिल्कुल जरूरी नहीं था, ना किसी 139(1) के अंदर, और हमने 139(4)(a) पढ़ा या 4B पढ़ा या 4C पढ़ा, कहीं भी किसी भी तरीके से वो ITR फाइल करने की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं, उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं. तब भी फाइल करेंगे, करना पड़ेगा. फर्निश द रिटर्न, सर कंडीशन क्या है? कोई कंडीशन नहीं है. तो क्या लिखा हुआ है? फर्निश द रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम और लॉस. समझ में आया आपके लिए? बाकी लिखा हुआ है ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई एज इफ इट वर ए रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर सेक्शन 139(1). इसका मतलब ये हो गया कि अगर 139(1) में आप लेट फाइल करते हैं तो जो पेनल्टी लगती है प्लस इंटरेस्ट वगैरह या और प्रोविजंस है वो सारे लगेंगे, लेकिन जो आपकी ITR फाइल करने का सेक्शन होगा वो हो जाएगा 139(4)(d). वो कहते हैं किसी और सेक्शन में आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है फाइल करने की,
आप सिक्स प्रोविजो के अकॉर्डिंग यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, या कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह लिखी हुई हैं जो इसके अंदर भी लिखी हुई हैं 139(4)C में, 1023(c) में आपकी पूरी की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इस एग्जेम्पशन को देने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे। तो ना सिक्स प्रोविजो के अकॉर्डिंग फाइल होनी है, ना 139(4)C के अकॉर्डिंग फाइल होनी है, आप 139 के किसी भी और प्रोविजन के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल करने के लिए लायबल नहीं है, तब भी फाइल करोगे और जरूर करोगे। कौन कौन से कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज जो डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 और क्लॉज 3, और अगर वो किसी एसएससी से डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च और सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, जो डोनर होगा उसको 150% या 100% का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो असेसिंग ऑफिसर एंश्योर करना चाहेगा ना कि जब आपको अप्रूवल दिया गया होगा कि आप 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के अंदर डोनेशंस एक्सेप्ट कर सकते हैं और उस बेस पे हम असेसी को डिडक्शन देंगे, तो हमने कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब करी होंगी कि इन पैसे को वास्तव में इन्हीं काम के लिए खर्च करोगे, और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। वो कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हम डोनर को तो बेनिफिट देते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन जिसने डोनेशन रिसीव किया एक्चुअली वो उन कंडीशंस को पूरा ही नहीं कर रहा है। तो केवल ये देखने के लिए जिन कंडीशंस के बेस पे आपको अप्रूवल दिया गया था उन कंडीशंस को आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने लिखा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेक्शन इज दैट असेसिंग ऑफिसर कैन चेक वेदर सच यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन are satisfying the conditions subject to which they were granted approval under section 35 subsection 1 clause 2 and clause 3। अब आपने यहां तक करीब करीब एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। 139 subsection 1 कंपनी और फर्म कंपल्सरी फाइलिंग करेंगे, उसका सिक्स प्रोविजो किया इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल पर्सन वो कब ITR फाइल करेंगे। उसके बाद मैंने फोर्थ प्रोविजो और फिफ्थ प्रोविजो बताया कंपलसरी फाइलिंग, अगर एसेट इंडिया से बाहर लोकेटेड है तो फाइल करना जरूरी है अगर आप बेनिफिशियल ओनर हैं या फिर बेनिफिशियरी। उसके बाद मैंने टाइम लिमिट बताई, या तो 31 जुलाई या 30 सितंबर या 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। फिर मैंने आपको वो 234F के अंदर फीस बताई अगर आप लेट फाइल करते हो। फिर मैंने कहा कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस में ITR फाइल की जाती है 139(4)A, (4)B, (4)C, (4)D उनको डिस्कस किया, 139(4)A चैरिटेबल ट्रस्ट, 139(4)B पॉलिटिकल पार्टी, 139(4)C बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सेक्शन 10 के स्पेसिफिक सबसेक्शन में एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, और अभी अभी टीच किया 139 सबसेक्शन 4D वो यूनिवर्सिटीज वो कॉलेजेस वो इंस्टीट्यूशंस जिनको डोनेशन देने से असेसी को सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 या क्लॉज 3 में डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है PGBP की इनकम को निकालते समय, वो एक्चुअली में उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं जिसके बेस पे उन्हें अप्रूवल दिया गया था, तो उनके लिए ITR फाइल करना हमेशा मस्ट है, फाइल करनी ही पड़ेगी। अगर यहां तक आपको समझ में आता है तो हम अब आगे चल सकते हैं। तो मेरी एडवाइज है कि अब आगे चलने से पहले आप पहली बार थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके आंख बंद करके सारे सेक्शंस को मन में एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। रिटर्न ऑफ लॉस सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, रिटर्न ऑफ लॉस को करने से पहले मैं कुछ सेक्शंस आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ चैप्टर के। हम किसी भी लॉस को कैरी जब करते हैं उसके कौन कौन से सेक्शंस हैं? हाउस प्रॉपर्टी को कैरी करने का सेक्शन होता है 71B। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को कैरी करने का सेक्शन 72। स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए 73।
बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35AD 373A, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो 74, और लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 74A। इसके साथ एक और होता है सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। बहुत ध्यान से देखना, जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर है उस चैप्टर का एक नाम और भी होता है चैप्टर 6। जैसे हम 80C2 80U को चैप्टर 6A कहते हैं, उसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ वाले चैप्टर को हम कहते हैं चैप्टर 6। सेक्शन 70 से स्टार्ट होता है और 80 पे जाके खत्म होता है। और एक PGBP का सेक्शन है 32 सबसेक्शन 2 जो डील करता है विद द अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के बारे में आपको पता है कि अगर डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो उसे किसी और हेड से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। किसी और हेड से सेट ऑफ करने के बाद भी बच जाता है तो हम उसको एनी नंबर ऑफ टाइम्स अनलिमिटेड टाइम्स तक के लिए कैरी कर सकते हैं। कैरी करने के बाद पहले हम PGBP से सेट ऑफ करते हैं, उसके बाद बच जाता है तो फिर किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये चैप्टर 6 में नहीं दे रखा है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस PGBP चैप्टर में दे रखे हैं और सेक्शन है 32 सबसेक्शन 2। तो टोटल हम किसी भी लॉस को कैरी करते हैं वो ये सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं। हाउस प्रॉपर्टी 71B, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 72, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 73, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस 73A, शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के का लॉस होगा 74, लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 74A, और PGBP चैप्टर से हमने सेक्शन लिया 32 सबसेक्शन 2 दैट इज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब रिटर्न ऑफ लॉस 139 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने लॉस को कैरी करना चाहता है, और कौन कौन से लॉस को, 72 नॉन स्पेकुलेशन, 73 स्पेकुलेशन, 73A स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, 74 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, 74A लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, देन ही मे, जरूरी नहीं है, ही मे फर्निश ए रिटर्न ऑफ लॉस विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। अगर वो इन लॉस को कैरी करना चाहता है तो अपनी ITR 139(1) के टाइम लिमिट में फाइल कर सकता है। और फिर जो प्रोविजन मैंने हर जगह लिखा, ऑल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट शैल अप्लाई एज इफ इट वर ए रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो सर, जो आपने हमें स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आपने कहा था कि लॉस में रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि 80C2 80U का बेनिफिट देने से पहले या 1038 का बेनिफिट देने से पहले इनकम एक्सीड नहीं कर रही है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो जरूरी नहीं है। लेकिन लॉस के केस में अगर आप कैरी करना चाहते हो तो आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप कैरी करना चाहते हो तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन यहां तो लिखा हुआ ही मे फर्निश, अगर वो चाहे तो कर सकता है। लेकिन कैरी तभी होगा जब आप फाइल कर दोगे, ये कहां लिखा हुआ है? तो जो चैप्टर 6 है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसका एक सेक्शन है सेक्शन 80 आखिरी सेक्शन। ये कहता है लॉस शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड। अब ये शैल नॉट कह रहा है, शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अंडर सेक्शन 72, 73, 73A, 74, 74A इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। तो मेरी एडवाइज है कि 139 सबसेक्शन 3 को कभी भी अकेले नहीं पढ़ना चाहिए,
हमेशा सेक्शन 80 के अंदर के साथ पढ़ना चाहिए, रीड विद सेक्शन 80। सेक्शन 80 कहता है कि ये पांच लॉस तब भी आप कैरी करके सेट ऑफ करोगे जब रिटर्न ऑफ लॉस को आप विद इन टाइम फाइल करोगे। और 139 सबसेक्शन 3 कहता है कि रिटर्न ऑफ लॉस अगर फाइल करना चाहते हो तो आप फाइल कर सकते हो, लेकिन वो 139 सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फाइल होनी चाहिए। दोबारा सुनो, दोबारा बताता हूं। सेक्शन 80 कहता है कि अगर आप 72, 73, 73A, 74, 74A इन पांच लॉस को कैरी करके सेट ऑफ करना चाहते हो तो रिटर्न ऑफ लॉस 139(3) के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फाइल करनी पड़ेगी। 139 सबसेक्शन 3 कहता है अगर करना चाह रहे हो तो आप 139(1) के अकॉर्डिंग फाइल करो, मतलब उस टाइम लिमिट में फाइल करो। फाइल करना जरूरी है, सेक्शन 80 बोलता है। 139(3) कहता है अब आपने डिसाइड कर लिया हमें फाइल करनी है तो वो फाइल करो, लेकिन 139(1) की टाइम लिमिट में फाइल करो। तो अगर हम 139(3) और 80 को मिला के पढ़ें तो अब ये कॉन्क्लूजन निकल के आया कि अगर इन पांच लॉस को कैरी करके सेट ऑफ करना चाहते हो तो रिटर्न ऑफ लॉस मस्ट बी फाइल्ड विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। आप 139(3) को बीच से निकाल सकते हो, हटा सकते हो, क्योंकि 139(3) अपने आप में यह नहीं कह रहा है कि अगर फाइल नहीं करोगे तो हम कैरी नहीं करेंगे। 139(3) अपने आप में यह कह रहा है अगर फाइल करते हो तो 139(1) में जो टाइम लिमिट है उसमें आप फाइल करना, और सेक्शन 80 यह कहता है फाइल करना जरूरी है। तो अगर आप 139(3) को बीच से हटाना चाहो तो आप इसकी जगह लिख सकते हो टाइम लिमिट ऑफ 139 सबसेक्शन 1। तो क्या बोलेंगे हम, अगर कोई असेसी 72, 73, 73A, 74, 74A के लॉस को कैरी करके सेट ऑफ करना चाहता है तो रिटर्न ऑफ लॉस मस्ट बी फाइल्ड विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, या तो 31 जुलाई तक फाइल हो जानी चाहिए या 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक या 30 नवंबर, डिपेंड करता है आपके लिए कौन सी टाइम लिमिट है। क्या समझ में आया? 80 कहता है 139(3) के अकॉर्डिंग फाइल करो, और 139(3) कहता है विद इन टाइम 139(1) में फाइल करो। तो इन सब का कम्युलेटिव इफेक्ट वो आ गया जो मैंने अभी अभी आपके लिए बताया। हाँ जी सर, समझ में आया। लेकिन सेक्शन 80 और 193 ने दो लॉसेस के लिए छोड़ दिया, एक तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए। ना तो 71(b) का जिक्र है और ना 32 सबसेक्शन 2 का जिक्र है। तो क्या इन लॉस को हम कैरी करने के लिए इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेंगे? क्या आईटीआर को हम लेट फाइल करते हैं तो भी हम कैरी कर सकते हैं? तो नीचे डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने एक्सेप्शंस में लिखा लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, लेकिन एक केस था ईस्ट एशियाटिक कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास हाई कोर्ट, उसने कहा द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। सेक्शन 80 ओवरराइड्स द चैप्टर 6 बट इट डज नॉट ओवरराइड सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। सेक्शन 80 कहता है जो चैप्टर 6 वाले लॉसेज हैं, 72, 71 को वो भी कवर नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी कवर कर रहा है वो चैप्टर 6 वाले कवर कर रहा है, वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को टच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब सेक्शन 80 की जो लैंग्वेज है वो 32 सबसेक्शन 2 पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो वो यही कह रहे हैं। देयरफॉर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निस्ड आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन। तो अब दो लॉसेज हमारे पास ऐसे हैं, हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगर
ये लॉस आप कैरी करके सेट ऑफ करना चाहते हो तो रिटर्न ऑफ लॉस को अगर आप ड्यू डेट के बाद भी फाइल करते हो तो कैरी करके सेट ऑफ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चल सकते हैं। तो कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। वेदर लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू ए नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1। मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो ये चार्ट बना के दिया था और मैंने कहा था कि अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं करते हो विद इन टाइम स्पेसिफाइड तो आपके पास एक नोटिस आता है अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का और असेसिंग ऑफिसर उसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइम देता है कि आप अपनी ITR को फाइल कर दीजिए। तो वो यही कह रहे हैं कि आपने ITR को फाइल नहीं किया, आपका लॉस था, ड्यू डेट निकल गई, अब आप लॉस को कैरी करके सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। अब आपके पास 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का नोटिस आया और उस नोटिस में जो टाइम लिमिट अलाउड था आपने ITR को फाइल कर दिया। अब आप लॉस को कैरी करके सेट ऑफ करना चाहते हो, क्या परमिटेड है? नहीं, क्योंकि 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का जो नोटिस आया होगा वो ड्यू डेट के बाद आया होगा और सेक्शन 80 कहता है कैरी करने के लिए 139(1) में जो टाइम लिमिट लिखी हुई है उसमें ITR को फाइल करना जरूरी है। तो मैंने क्या आंसर लिखा? सेक्शन 80 रीड विद सेक्शन 139(3) अलाउज द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ओनली इफ रिटर्न इज फर्निश्ड विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139(1). देयरफोर लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू ए नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन। हालांकि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैरी हो सकते हैं क्योंकि वो एक्सेप्शन में है, लेकिन ये क्वेश्चन उनके लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। ये 72, 73, 73A, 74, 74A की बात कर रहा है। पर्पज समझना चाहिए कि क्वेश्चन का पर्पज क्या है। अब इसके बाद आखिर में एक सर्कुलर। अगर किसी बहुत जेन्युइन रीजन की वजह से असेसी एक या दो दिन या कुछ टाइम लेट हो जाता है रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने से तो सोचो वो अपना लॉस कैरी ही नहीं कर सकता है। अब किसी को लॉस बहुत ज्यादा और अगर वो कैरी नहीं कर पाता है जेन्युइन हार्डशिप की वजह से, कोई बहुत रीजनेबल रीजन है तो उसको बहुत लॉस हो गया, और विपत्ति आपत्ति कोई बहुत बड़ा रीजन तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इश्यू किया, इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडोन द डिले, हम डिले को माफ कर देंगे इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न हैविंग ए क्लेम ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इफ ए रिटर्न हैविंग ए क्लेम ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फाइल्ड लेट देन द डिले इन फाइलिंग ऑफ लॉस रिटर्न इन केस ऑफ जेन्युइन हार्डशिप कैन बी कंडोन। अगर कोई रिटर्न जो लॉस को कैरी करने की बात करती है लेट फाइल की गई है तो अगर जेन्युइन हार्डशिप है उस केस में हम उसके डिले को माफ कर सकते हैं, लेकिन कंडोन द डिले, डिले को माफ करने की पावर किस ऑफिसर को डेलीगेट की गई? अगर लॉस 10,00,000 रुपए तक का था तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। अगर आपका लॉस एक्सीड करता है 10,00,000 को बट डज नॉट एक्सीड 50,00,000 तब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लिए। इन एनी अदर केस, मतलब अगर 50,00,000 से ज्यादा का लॉस होगा तो आपको CBDT से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको यहां सबूत देना पड़ेगा जेन्युइन हार्डशिप का। और अगर ये ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं दे कैन परमिट दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ योर लॉसेस। ठीक है? हाँ जी सर, यहां तक हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है। अब स्टार्ट करते हैं बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि इस चार्ट को एक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अब इसका यूज होने वाला है। आप पहले रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करते हो 139 के अकॉर्डिंग, सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न होती है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर दिए जाते हैं 139 143 सबसेक्शन 1।
फिर अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने इनकम को कम डिस्क्लोज किया है, या आपने लॉसी एक्सपेंडिचर को ज्यादा क्लेम कर लिया है, या आपने किसी और तरीके से टैक्स को कम पे किया है, तो वो आपकी स्क्रूटनी करना चाहता है। स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए वो पहले आपको नोटिस भेजेगा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन का, और उस नोटिस के रेस्पॉन्स में आप असेसिंग ऑफिसर को एक डेट पे, एक प्लेस पे, स्पेसिफिक टाइम पे जाके उसके कुछ क्वेश्चंस के जवाब देते हो। उसके बाद सारी बातों को कंसीडर करने के बाद वो अपना ऑर्डर निकालेगा, एंड दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑर्डर, स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। लेकिन जो आपके पास स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस आया 143 सबसेक्शन 2 का, असेसी डज नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस, वो उस नोटिस को कंप्लाई नहीं करता है, उसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, तो अब असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी असेसमेंट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए ही नीड्स द इंफॉर्मेशन विच यू आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड। तो फिर वो आपका करेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। इज दैट क्लियर? उस साइड में मैंने लिखा अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल ही नहीं किया तो या तो डायरेक्टली वो आपका बीजीए कर सकता है, या फिर पहले आपको नोटिस इश्यू करेगा अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1, और आपसे कहेगा आईटीआर को विद इन टाइम लिमिट जो नोटिस में दे रखी है फाइल कर दो। उस टाइम लिमिट में नोटिस को अगर आप फाइल कर देते हो वेल एंड गुड, और अगर फाइल नहीं करते हो तो फिर आपका बीजीए शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम शुरू करते हैं बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। लेकिन जो बिलेटेड की पेनल्टी है 234 के अंदर, वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, उसको मत भूल जाना। पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो 1000, अगर आपकी इनकम 5 लाख को एक्सीड करती है और 31 दिसंबर तक फाइल कर देते हो 5000, 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हो 10000। लेकिन आप कब तक बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो? 31 दिसंबर के बाद तो पॉसिबल हो ही गया, लेकिन उसके बाद भी कहां तक, इसको डिस्कस करते हैं, और सेक्शन है 139 सब सेक्शन 4। उसमें लिखा हुआ है इफ ए पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1), बिल्कुल सही लिखा है सर, देन ही मे फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। नीचे भी ब्लू लाइन है इसलिए मैं इसको रेड कर लेता हूं। एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब इस टाइम लिमिट को समझना जरूरी है, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रीवियस ईयर 17-18 और असेसमेंट ईयर 18-19। असेसमेंट ईयर 18-19 1 अप्रैल 2018 को शुरू होगा और खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2019 के लिए। ये तो आपका असेसमेंट ईयर लिख दिया गया, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आपका असेसमेंट ईयर हो गया। अब इस असेसमेंट ईयर में आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है प्रीवियस ईयर 17-18 की इनकम के रेस्पेक्ट में। हाँ जी सर, जो 139(1) के अकॉर्डिंग ड्यू डेट है वो मैंने मानी 30th September of assessment year, that is 30th September 2018, इसके नीचे मैंने लिख दिया not filed। सर ये भी हमें समझ में आ गया। अब मैंने यहां पे लिखा not filed,
तो अब इसके बाद फाइल करोगे तो बिलेटेड हो जाएगी। हाँ जी सर, इसके बाद बिलेटेड हो जाएगी। जब आप इनको फाइल नहीं करते हो तो वो आपको नोटिस या तो सीधे आपका बीजीए कर सकता है, तो आपका कौन सा असेसमेंट शुरू हुआ होगा, बीजीए। हाँ जी सर। या फिर उसने आपको नोटिस भेजा होगा 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का, और फिर भी आपने फाइल नहीं करी होगी, तब भी उसने क्या शुरू किया होगा, बीजीए। मतलब अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं करते हो तो जो आपका असेसमेंट होगा वो स्क्रूटनी तो हो ही नहीं सकता है। वो असेसमेंट आपका कौन सा होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। अब आपने आईटीआर को फाइल नहीं किया और असेसिंग ऑफिसर आपका बीजीए शुरू कर चुका है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब आप इसके बीच में किसी एक डेट पे आईटीआर को फाइल करते हो। अब दो पॉसिबिलिटी है, जिस डेट पे आपने आईटीआर को फाइल किया उससे पहले बीजीए कंप्लीट हो गया। अब अगर बीजीए कंप्लीट हो गया तो लिखा हुआ है बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब इन दोनों में देखेंगे अर्लियर। और अर्लियर क्या हो गया, बीजीए। अब तो उसने आपका सारा इनकम को कंप्यूट कर दिया, नया टैक्स भी निकाल दिया। अब उसके बाद आप जाके कहते हो सर जी हमें आईटीआर फाइल करनी है। बोले हमारे असेसिंग ऑफिसर ने सारी मेहनत कर ली, सब कुछ कंप्यूट कर दिया, अब तुम काय दिक्कत करने के लिए आए हो, क्यों परेशान हो रहे हो, तुम सब कुछ हो चुका तुम्हारा। तो रिटर्न ऑफ इनकम अब फाइल करना बेकार है, यूजलेस है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब लास्ट डेट क्या हो चुकी है, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, और वो असेसमेंट कौन सा होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी समझो, आप जब आप आईटीआर को फाइल करने गए उस समय बीजीए कंप्लीट नहीं हुआ था, इस डेट पे जो आपका बीजीए था वो आउटस्टैंडिंग था। अब अगर बीजीए आउटस्टैंडिंग था तो इसके बाद यहां कहीं पूरा हो सकता था, हम अज्यूम कर रहे हैं सपोज, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है वो इसी के बाद पूरा होगा। तो अगर यहां आउटस्टैंडिंग था तो अब देखेंगे इन दोनों में अर्लियर। मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं उसके बाद किसी डेट पे कंप्लीट होता, तो अब अर्लियर क्या हो गया, और आप उससे पहले फाइल कर चुके हो। और अगर आप पहले फाइल कर चुके हो तो इसका मतलब इट इज द वैलिड रिटर्न, आपकी रिटर्न को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्या कॉन्क्लूजन निकला, जब आप असेसमेंट ईयर में आईटीआर को फाइल करने के लिए जाते हो उस डेट पे अगर बीजीए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो आप आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते हो। लेकिन उस डेट पे अगर बीजीए आउटस्टैंडिंग चल रहा है, असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली उस डेट के बाद कंप्लीट होता, तो जो कंप्लीशन की डेट होती अगर वो आपकी डेट के बाद फॉल कर रही है तो आप विद इन टाइम लिमिट फाइल कर रहे हो। और आप अगर विद इन टाइम लिमिट फाइल कर रहे हो तो आप आईटीआर को फाइल कर सकते हो, और जैसे ही फाइल करोगे आप आईटीआर के लिए उन्हें अपनी प्रोसीडिंग्स को रोक देना पड़ेगा, क्योंकि जब आईटीआर फाइल हो जाएगी तो कहानी कहां से शुरू होगी, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न से। आपने फीस पे करी, आपने और इंटरेस्ट वगैरह पे करे, लेकिन बेजजमेंट असेसमेंट उन्हें रोक देना पड़ा, अब वो कहां से शुरू करेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न से शुरू करेंगे। तो बस
आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप आईटीआर को फाइल करने जाओ तो बीजी अगर कंप्लीट हो गया तो अब फाइल करने का फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर असेसमेंट पेंडिंग चल रहा है तो जो अर्लियर होगी वो डेट आपकी आईटीआर फाइल करने की जो डेट है उसके बाद कॉल करेगी। इसका मतलब आप बिलेटेड रिटर्न विद इन टाइम फाइल कर रहे हो और उन्हें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हां जी सर, ये समझ में आ गया। तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक आपका असेसमेंट क्लियर हो गया। 30th September 2018 not file, आपने ITR को फाइल नहीं किया। अब आप फाइल करना चाहते हो, अब आप फाइल करने के लिए जाते हो और अपने असेसमेंट ईयर के बाद जाते हो, आफ्टर असेसमेंट ईयर। अब इस डेट पे अगर बीजीए इस डेट से पहले कंप्लीट हो भी चुका होगा तो अभी अर्लियर कौन सी डेट आएगी? आपके असेसमेंट ईयर की आखिरी डेट। और अगर बीजीए आउटस्टैंडिंग भी होगा, मतलब कब कंप्लीट होगा, सपोज करते हैं यहां कंप्लीट होता तब भी आउटस्टैंडिंग, तब भी अर्लियर डेट कौन सी हो जाती? 31st March 2019। आराम से सुनो, आई एम सॉरी बेटा, अगर आप अपने असेसमेंट ईयर के बाद आईटीआर को फाइल करना चाहते हो तो फिर दो पॉसिबिलिटी, बीजीए उससे पहले कंप्लीट हो गया या बीजीए उसके बाद कंप्लीट होता। अगर बीजीए उससे पहले कंप्लीट हो गया तो टाइम लिमिट क्या हो जाती? कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर हो जाता 31st March 2019। अगर बीजीए आउटस्टैंडिंग भी होता, मतलब आप जिस डेट पे फाइल कर रहे हो उसके बाद कभी पूरा हो सकता था, तो अभी अगर हम अर्लियर देखें तो अर्लियर क्या हो जाएगा? 31st March 2019। और आप दोनों केस में कब फाइल कर रहे हो? इस डेट के बाद फाइल कर रहे हो। इसका मतलब अपने असेसमेंट ईयर के बाद तो आप बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर ही नहीं सकते हो, चाहे बीजीए आपका आउटस्टैंडिंग क्यों ना चल रहा हो। क्योंकि आउटस्टैंडिंग भी होगा अगर आपका असेसमेंट, तब भी लास्ट डेट कौन सी हो जाएगी? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो सॉरी लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, दैट इज 31st March 2019। क्या समझ में आया जो मैंने बोला? तो अगर कभी आपसे कोई ऐसा आदमी जिसको टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, टैक्स की नॉलेज नहीं है, पूछता है भाई साहब आईटीआर मेरी डेट निकल गई, अब मैं कब तक फाइल कर सकता हूं, तो उससे सिंपली आपको कहना चाहिए एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 31st March 2019 तक। हालांकि इससे पहले भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इससे पहले भी प्रॉब्लम यह हो सकती है जिस डेट पर वो गया अगर बीजी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया तो वहां भी नहीं कर सकता है। लेकिन जनरली हम ये बोल देते हैं कि असेसमेंट ईयर के बाद तो बीजी अगर पेंडिंग भी है तो भी आप फाइल नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा हुआ है बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। और यहां असेसमेंट का मतलब कंपल्सरी क्या हो गया? बीजीए विच एवर इज अर्लियर। तो आखिरी बार रिपीट करता हूं, अगर अपने ही असेसमेंट ईयर में बिलेटेड फाइल कर रहे हो तो जिस डेट पे फाइल करी उससे पहले अगर बीजीए कंप्लीट हो गया तो फाइल नहीं कर सकते हो, और अगर बीजीए पेंडिंग चल रहा है तो कर सकते हो। और आखिरी स्टेटमेंट, अपने असेसमेंट ईयर के बाद तो आप फाइल कर ही नहीं सकते हो, बीजीए पेंडिंग चल रहा होगा तब भी। ठीक है, हां जी सर, समझ में आता है। तो मैंने दो बातें लिख दी, असेसमेंट मींस असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। हां सर, ये तो आपने हमें अभी बताया था। फिर मैंने लिखा कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट मींस डेट ऑफ पासिंग
साइनिंग द असेसमेंट ऑर्डर एंड नॉट द डेट ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। जिस डेट पे वो साइन कर देगा असेसमेंट ऑर्डर पे, उसको कहा जाएगा कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। और बहुत ध्यान से करना, बहुत ज्यादा, इट इज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2017। फाइनेंस एक्ट 2017 ने अमेंडमेंट किया। रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। If any person has furnished a return under section 139 subsection 1 or under section 139(4), 4 का मतलब belated, after due date, तो अगर आपने within time limit file करी थी या फिर उसके बाद file करी थी, and such person has discovered any omission or wrong statement, आप कोई चीज include करना भूल गए या आपने जो चीज प्रोवाइड करी वो आपने गलत प्रोवाइड कर दी, तो आप अपनी इस गलती को सुधार सकते हो। ही मे फर्निश ए रिवाइज रिटर्न, वो अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है, एक नई रिटर्न फाइल कर सकता है। और कितने टाइम के अंदर? वो ही जो बिलेटेड ईयर, बिलेटेड रिटर्न में लिखा हुआ था बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहां असेसमेंट का क्या मतलब होगा, बस ये समझ लो तो बाकी सारे एग्जाम्पल सेम हो जाएंगे। आपने आईटीआर को फाइल किया विद इन टाइम लिमिट या अपने टाइम के बाद फाइल किया, तो पहले स्क्रूटनी हुई, उसने आपको 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजा। अगर स्क्रूटनी को आपने कंप्लाई कर दिया नोटिस को, तो आपका उसने क्या शुरू किया होगा, स्क्रूटनी असेसमेंट। लेकिन 143 सबसेक्शन 2 के टर्म्स को अगर आपने कंप्लाई नहीं किया होगा, तो उसने फिर क्या स्टार्ट किया होगा, बेजमेंट असेसमेंट। मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन यहां असेसमेंट का मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट भी हो सकता है और बेजमेंट असेसमेंट भी हो सकता है। जब आईटीआर फाइल नहीं करी तो स्क्रूटनी असेसमेंट तो हो ही नहीं सकता है, फिर होगा केवल बेजमेंट असेसमेंट। लेकिन इफ यू फाइल द आईटीआर वेदर विद इन टाइम लिमिट और आफ्टर द टाइम लिमिट, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। जब वो गलतियां उसको पकड़ में आई असेसिंग ऑफिसर के, तो उसने आपको नोटिस भेजा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस। इफ यू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस, तो जो असेसमेंट आपका चल रहा होगा दैट इज स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। लेकिन इफ यू डू नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, तो असेसिंग ऑफिसर ने आपका कौन सा असेसमेंट स्टार्ट कर दिया होगा, बेजमेंट असेसमेंट। हाँ जी सर, तो यहां जो असेसमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब 143 सबसेक्शन 3 भी हो सकता है और बेजमेंट असेसमेंट 144 भी हो सकता है। अदरवाइज टाइम लिमिट सेम लिखी हुई है, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब वही आपका प्रीवियस ईयर 17-18 आईटीआर फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 18-19 में। इसकी जो फर्स्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2018 और जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2019। और आईटीआर फाइल करने की जो डेट है 30 सितंबर 2018। सपोज करते हैं इसने पहले फाइल कर दी 139 सबसेक्शन 1 में, इसके बाद फाइल करता तो 139(4) लिख देते, बिलेटेड। अब आईटीआर फाइल करने के बाद उसको पता चला कि एक ऑमिशन हो गया, मैं मुझे और इंक्लूड करना था, या जो मैंने प्रोवाइड किया इट वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब वो अपनी उस गलती को सुधारना चाहता है, वो रिवाइज फाइल करना चाहता है। अब वो इस डेट पे फाइल करने के लिए गया रिवाइज रिटर्न। अब उसका एक असेसमेंट शुरू हो चुका होगा, या तो स्क्रूटनी,
अगर नोटिस को उसने रेस्पॉन्ड किया होगा, स्क्रूटनी के नोटिस को उसने अगर कंप्लाई नहीं किया होगा, तो बेजजमेंट असेसमेंट शुरू हो गया होगा। अब जब उसने रिवाइज को फाइल किया, अगर उससे पहले पहले 143 सबसेक्शन 3 या बीजीएबी कह सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, तो अर्लियर क्या हो जाएगा, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर क्या हो गया, 143 सबसेक्शन 3 की कंप्लीशन की डेट, वो आपके आईटीआर रिवाइज करने से पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन जिस डेट पे आपने रिवाइज रिटर्न को फाइल करने का सोचा, उस समय अगर जो आपका असेसमेंट चल रहा है वो पेंडिंग था, पेंडिंग का मतलब हो गया वो उसके बाद किसी डेट पे कंप्लीट होता, अगर होता तो फिर अर्ली कौन सा हो जाता, कंप्लीशन और एंड ऑफ असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर। लेकिन जो भी अर्लियर होता वो उस डेट के बाद होता जिस डेट पे आप आईटीआर को फाइल करते, और आपने विद इन टाइम लिमिट फाइल कर दी तो आपकी जो रिवाइज रिटर्न होती वो एक्सेप्ट कर ली जाती और उनको अपनी प्रोसीडिंग्स बीच में रोकनी पड़ती और प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न से सारी कहानी फिर से शुरू हो जाती। तो क्या डिपेंड, क्या बोला मैंने, अपने असेसमेंट ईयर में अगर आप फाइल करते हो तो जिस डेट पे आप फाइल करने गए उस डेट पे असेसमेंट अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, और अगर पेंडिंग चल रहा है तो उसके बाद कभी पूरा होगा, मतलब जो भी डेट अर्लियर निकल कर आएगी वो बाद की निकल कर आएगी, इसलिए आपकी रिवाइज रिटर्न इज वैलिड रिवाइज रिटर्न और डिपार्टमेंट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन अगर आप अपने असेसमेंट ईयर के बाद रिवाइज को फाइल करते हो तो कर ही नहीं सकते हो। अगर बीजीए पहले कंप्लीट हो चुका है तो भी आप लेट हो गए, अगर बीजीए या जो भी असेसमेंट चल रहा था वो पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं भी हुआ है, तो भी अर्लियर डेट कौन सी हो जाएगी, लास्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर। और लास्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर अगर अर्लियर डेट हो गई, विच एवर इज अर्लियर, तो इसके बाद तो अब आप रिवाइज कर ही नहीं सकते। तो सेम कॉन्क्लूजन जो बिलेटेड का था, अपने असेसमेंट ईयर में रिवाइज करते हो तो जो भी असेसमेंट चल रहा था पेंडिंग था तो कर सकते हो, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया तो नहीं कर सकते हो। अपने असेसमेंट ईयर के बाद तो फाइल कर ही नहीं सकते हो, चाहे असेसमेंट कंप्लीट हो गया था या पेंडिंग चल रहा था। हां जी सर, ये समझ में आ गया, बस डिफरेंस क्या है। बिलेटेड में असेसमेंट का मतलब था बेस जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, और रिवाइज में असेसमेंट का मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट भी हो सकता है और बेस जजमेंट असेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक सर। तो एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा, आपने 139(3) सेक्शन के अंदर आईटीआर को फाइल किया, 139(3) रिटर्न ऑफ लॉस आपने फाइल करी, फिर आप उसको रिवाइज करते हो 139 सबसेक्शन 5 में करना चाहते हो, तो क्या आप रिवाइज कर सकते हो। वेदर ए रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, ये क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है केवल वो रिटर्न रिवाइज कर सकते हो जो 139 सबसेक्शन 1 में फाइल की गई हो या 139 सबसेक्शन 4 में, जो विद इन टाइम लिमिट या जो बिलेटेड फाइल की गई हो केवल उसी को आप रिवाइज कर सकते हो। तो क्या आप रिटर्न ऑफ लॉस को रिवाइज कर सकते हो जो 139(3) के अंडर फाइल की गई थी, यस कर सकते हो, क्योंकि 139 सबसेक्शन 3 के सेकंड पैरा में मैंने लिखा था कि ये माना जाएगा इट इज फाइल्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1,
रिटर्न ऑफ लॉस के प्रोविजंस 139 सबसेक्शन 3 में दे रखे हैं, लेकिन जब आप फाइल करते हो तो ये मान लिया जाता है इट इज फाइल्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो क्या लिखा है, एच पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 द रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 139(3) इज डीम्ड एज इफ इट वर ए रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 139(1). Therefore, a written file under section 139(3) can be revised under section 139 subsection 5. ठीक है, समझ में आता है? हाँ जी सर। अब बात करते हैं defective return की। 139 subsection 1, filing of return and due dates to file the return. 139 subsection 3, return of loss. 139 subsection 4, belated return. 139 subsection 5 revised return. अब बात करते हैं 139 subsection 9 defective return और incomplete return. अगर आपने जो ITR का फॉर्म था उसको ढंग से नहीं फिल किया, उसको फिल करते समय you committed the mistakes, या फिर ITR के साथ बहुत सारी रिपोर्ट्स जाती हैं, स्टेटमेंट्स जाते हैं, उनको आपने अटैच नहीं किया, तो आपकी रिटर्न को कहा जाता है डिफेक्टिव रिटर्न। रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव अनलेस ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, रिटर्न फॉर्म हैज बीन ड्यूली फिल्ड। जब तक ड्यूली फिल्ड नहीं होगा तब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगी रिटर्न, उसको माना जाएगा डिफेक्टिव रिटर्न। सारी कंडीशन नीचे लिखी वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इज अटैच्ड। तो अगर कंप्यूटेशन स्टेटमेंट अटैच करना जरूरी था और अटैच नहीं किया गया तो आपकी रिटर्न बन जाएगी डिफेक्टिव रिटर्न। द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB और ए कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टूगेदर विद द प्रूफ ऑफ फर्निशिंग द रिपोर्ट इज अटैच्ड। तो अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट जो 44AB में आपका ऑडिट हुआ होगा उसको अटैच करना जरूरी था और अटैच नहीं किया, इट इज कॉल्ड द डिफेक्टिव रिटर्न। द प्रूफ ऑफ प्रीपेड टैक्सेस अटैच, अगर आपने एडवांस टैक्स पे किए हुए थे, टैक्स को पहले से पे किया हुआ था, उसका प्रूफ आपने अगर अटैच करना जरूरी था और अटैच नहीं किया हुआ है, इट इज कॉल्ड द डिफेक्टिव रिटर्न। रिवाइज और डिफेक्ट में मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं। रिवाइज में लिखा हुआ था ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, यहां बात चल रही है इनकम के कंप्यूटेशन की, इनकम के पर्टिकुलर्स जो आपने प्रोवाइड करे, जो आपने टैक्स का कंप्यूटेशन किया। लेकिन डिफेक्ट के अंदर वो इनकम के कंप्यूटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया गया नहीं किया गया, फॉर्म को ड्यूली फिल्ड किया गया नहीं किया गया, जो डॉक्यूमेंट साथ में आपको अटैच करने होते हैं उनको आपने प्रोवाइड किया या प्रोवाइड नहीं किया। जब आप कंप्यूटेशन में गलती कर देते हो तो आपको नई रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, मतलब एक दूसरी रिटर्न जिसमें उस गलती को आप हटा दोगे, रेक्टिफाई कर दोगे। लेकिन डिफेक्ट के केस में नो नीड टू फाइल द अनदर रिटर्न, आप उस गलती को केवल दूर कर दो, डिफेक्ट को दूर कर दो, क्योंकि कंप्यूटेशन में गलती नहीं हुई है। मैं इस तरीके से एग्जांपल लेता हूं आपके लिए कि मैंने अपने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया, एक बच्चे ने सपोज करते हैं जब अपना रोल नंबर लिखा तो गलत लिख दिया, उसकी कॉपी बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छा उसने सॉल्यूशंस वगैरह दिए थे, अच्छे मार्क्स आते उस बच्चे के, लेकिन रोल नंबर गलत लिख दिया, तो वो क्या करेगा? वो मुझसे आके बोलेगा, एप्लीकेशन देगा, सर मेरा ये नाम है, मेरा एक्चुअली रोल नंबर ये है और मैं बाय मिस्टेक मैंने ये रोल नंबर लिख दिया था, मैं उस कॉपी में उसका रोल नंबर सही कर दूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो उसने जितने भी आंसर्स दिए थे वो सही दिए थे। लेकिन एक स्टूडेंट आंसर्स ही गलत देता है, उसके आंसर गलत है, उसकी कैलकुलेशन गलत है, उसके कंसेप्ट गलत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो घर पे जाके देखता है कि मैंने क्वेश्चन को गलत कर दिया, वो मुझसे आके एक एप्लीकेशन लिख के देता है, सर इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती कर दी है, आप जब भी कॉपी चेक करो तो आप ये मानना कि मेरी ये गलती दूर कर दी गई है, अब मैंने इसको रेक्टिफाई कर लिया है, उसके हिसाब से कॉपी चेक करना, ऐसा नहीं होता।
अब आप फेल हो गए। अगर अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो दोबारा पेपर देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अच्छा स्टूडेंट मानूं तो जो मैं नेक्स्ट टेस्ट लूंगा उसमें अपनी परफॉर्मेंस के लिए आप एनहांस करना, उस पेपर को आप अच्छे तरीके से देना। तो जब आप फॉर्म को भरने में गलती करते हो तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी फॉर्म को रेक्टिफाई कर दो। लेकिन अगर आप इनकम के कंप्यूटेशन में जो इनकम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है अगर वो कम प्रोवाइड करी है, या आपने गलत इंफॉर्मेशन इनकम के रेस्पेक्ट में प्रोवाइड कर दी, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। लेकिन आपकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है लेकिन उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने थे अगर वो आपने अटैच नहीं करे, देन नो नीड टू फाइल द रिवाइज रिटर्न, देन इट इज कॉल्ड द डिफेक्टिव रिटर्न। तो ये सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ में अटैच होने चाहिए थे। अगर इनको आपने अटैच नहीं किया हुआ है या आपने फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल नहीं किया था, देन इट इज कॉल्ड द डिफेक्टिव रिटर्न। तो सर कॉन्सिक्वेंस क्या होती है? कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? वेयर ए रिटर्न इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, असेसिंग ऑफिसर मे इंटीमेट द डिफेक्ट टू द असेसी। आप टेंशन मत लो क्योंकि स्क्रूटनी नहीं होगा। स्क्रूटनी तो तब होता है जब इनकम को अंडरस्टेटेड किया गया हो। स्क्रूटनी तो तब होता है जब आपने किसी लॉस या एक्सपेंडिचर को ज्यादा क्लेम कर लिया हो। स्क्रूटनी तो तब होता है जब आपने किसी भी तरीके से टैक्स को बचाने की कोशिश करी हो। इस केस में तो असेसिंग ऑफिसर देखेगा कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है तो वो आपको इंटीमेट कर देगा, और गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट within a period of 15 days from the date of intimation. 15 दिन तो आपको दिए ही जाएंगे उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, और within such extended period as the assessing officer may specify. वो 15 से ज्यादा भी दे सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन 15 डेज तो आपको दिए ही जाएंगे। सर अगर हम 15 डेज के अंदर उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, अब वो आपकी प्रोसेसिंग शुरू करेगा। जब तक आप रेक्टिफाई नहीं करते हो तब तक वो प्रोसेसिंग भी स्टार्ट नहीं करेगा। इफ द डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड द रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न एंड द असेसी शैल बी डीम्ड टू हैव नेवर फर्निश्ड द। अगर 15 डेज में रेक्टिफाई कर लेते हो वेल एंड गुड, लेकिन 15 डेज या जो एक्सटेंडेड टाइम था उसमें रेक्टिफाई नहीं करते हो तो ये माना जाएगा असेसी ने रिटर्न को कभी फाइल किया ही नहीं था। और सर अगर असेसी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं करता है तो या तो 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस आता है फाइल करो, या डायरेक्टली वो क्या शुरू कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है सर, समझ में आ गया, लेकिन एक छोटा सा रिलीफ दिया गया है। इफ असेसी रेक्टिफाइज द डिफेक्ट आफ्टर 15 डेज और एक्सटेंडेड पीरियड बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, the assessing officer has the power to condone the delay and the return shall be treated as the valid return. अगर आप जो टाइम आपको दिया गया 15 मिनिमम और अगर एक्सटेंड किया गया था उसके बाद अगर आप रेक्टिफाई करते हो, लेकिन असेसमेंट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तो असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे तो आपके डिले को माफ कर सकता है, और अगर माफ कर दिया योर रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज द वैलिड रिटर्न। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया डिफेक्टिव रिटर्न? हाँ जी सर, हमें बहुत अच्छे तरीके से आ गया डिफेक्टिव रिटर्न। अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बहुत अच्छा सेक्शन इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2017, बिल्कुल नया सेक्शन, उसको स्टार्ट करते हैं। कोटिंग ऑफ आधार नंबर सेक्शन 139AA।
फाइनेंस एक्ट 2017 ने इंसर्ट किया एक नया सेक्शन 139AA कि आधार को कोट करना कहां कहां जरूरी होगा। तो इस सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक तो ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 और एक बिफोर 1 जुलाई 2017। एवरी पर्सन शैल ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 कोट आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पैन। आप अगर परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करते हो तो वहां आपको अपना आधार नंबर देना जरूरी है, और जब भी आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तो उस समय भी आपको अपना आधार नंबर देना जरूरी है। तो अपना आधार बैंक से लिंक करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो पैन को बनवाने के लिए, और अगर ITR फाइल कर रहे हो उस समय भी आपको अपना आधार देना पड़ेगा। लेकिन जिस समय आप पैन के लिए अप्लाई कर रहे हो या ITR फाइल कर रहे हो उस समय तक आपने आधार नहीं बनवाया हुआ है, तो पहले आप आधार के लिए अप्लाई करो, और जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक मिलता है एनरोलमेंट ID। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने आधार बनवा रखा होगा, लेकिन अगर बाई चांस किसी ने नहीं बनवाया है, जब किसी सेंटर पर जाते हो वो आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, आई की स्कैनिंग कर लेते हैं और आपकी डिटेल्स ले लेते हैं, तो उसके बाद वो आपको एक रिसीट देते हैं जिस पर आधार एनरोलमेंट ID लिखा होता है, जिसके बेस पे आप उनकी साइट पे जाके देख सकते हो कि आपका आधार बनके तैयार हो गया या नहीं, या फिर उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जिस समय आप पैन के लिए अप्लाई कर रहे हो या ITR फाइल कर रहे हो उस समय तक आपके पास आधार बनके तैयार नहीं हुआ, आधार नंबर नहीं है, तो आप जब पैन के लिए अप्लाई करोगे या ITR फाइल करोगे उस समय आधार नंबर के लिए आपको कोट करना पड़ेगा एनरोलमेंट ID ऑफ द आधार। वेयर द पर्सन डज नॉट परचेस आधार नंबर द एनरोलमेंट ID ऑफ आधार एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी कोटेड इन द एप्लीकेशन ऑफ पैन और इन द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक, चलो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर जिनका पैन पहले बन चुका है उनको अपने पैन से लिंक करवाना पड़ेगा। तो जो सेकंड सेक्शन है वो बात करता है जिसके पास ऑलरेडी पैन था, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड हैज बीन, जिसके पास ऑलरेडी है एज ऑन 1 जुलाई 2017, इस डेट को जिसके पास ऑलरेडी पैन है वो अपने पैन को आधार से लिंक करेगा, शैल इंटीमेट हिज आधार नंबर ऑन और बिफोर ए डेट टू बी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट। वो पैन अथॉरिटी को अपना आधार नंबर इंटीमेट करेगा सो दैट आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जा सके। लेकिन सर अगर कोई इंटीमेट नहीं करता है, जो भी डेट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उस डेट तक आप इंटीमेट नहीं करते हो, अपने आधार को बैंक से लिंक नहीं करते हो, तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा और यह माना जाएगा कि आपको पैन नंबर कभी अलॉट किया ही नहीं गया था। तो लिखा है फेलियर टू इंटीमेट द आधार नंबर द पैन अलॉटेड टू द पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड एंड इट विल बी कंसीडर्ड दैट द पर्सन हैड नॉट अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पैन। ठीक है सर, यहां तक समझ में आता है? अगर यहां तक समझ में आता है तो एक दो छोटे मोटे सेक्शंस और बचे हैं वो और कर लेते हैं। उसमें है 139B TRP टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयरर्स। देखो इनकम टैक्स बहुत कम लोगों को आता है, ये बात तो आप भी मानोगे, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, आम आदमी इनकम टैक्स से दूर ही रहता है, हर आदमी को प्रोविजन समझ में नहीं आते हैं। लेकिन एक आदमी टैक्स पे करना चाहता है, ITR फाइल करना चाहता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, वो ITR के फॉर्म को देख के ही डर जाएगा, फिर फॉर्म भरेगा, फिर उसमें इनकम के पर्टिकुलर्स मांगे गए हैं, इनकम को अपना कंप्यूट करना, उसका टैक्स निकालना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हाउ टू फाइल द ITR? आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाते हो, आप किसी लॉयर के पास जाते हो, दे आर हायरली प्रोफेशनल्स,
अब एक इंडिविजुअल जिसकी 4-5 या 6 लाख रुपए इनकम है, वो अपना भी कंट्रीब्यूशन देश के लिए करना चाहता है, टैक्स देना चाहता है, लेकिन वो इतने हाईली प्रोफेशनल्स के पास जाना नहीं चाहता है, उनकी फीस भी हाई होगी, वो बिजी होंगे तो प्रॉपर टाइम भी आपको नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एक स्कीम प्रिपेयर की गई है, उसको कहा जाता है स्कीम टू फैसिलिटेट सबमिशन ऑफ रिटर्न्स थ्रू TRP, टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयरर्स। कुछ लोगों को तैयार करेगा डिपार्टमेंट, उनको कहा जाएगा TRP। आप उनको अपने घर पे बुला सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी ITR फाइल करने में, एक बहुत नॉमिनल चार्ज के अगेंस्ट। तो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है और जो ITR रेगुलरली और ईमानदारी से पे करना चाहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग एनी स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्संस। तो सर सब लोग क्या ITR TRP के थ्रू फाइल नहीं कर सकते हैं? नहीं, जो TRP के थ्रू फाइल कर सकते हैं उनको बोला गया स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन। टू प्रिपेयर एंड फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम द बोर्ड, बोर्ड का मतलब CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हैज फ्रेम्ड ए स्कीम प्रोवाइडिंग दैट सच पर्सन मे फर्निश देयर रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू ए TRP ऑथराइज टू एक्ट एज सच। जो लोग ऑथराइज किए गए TRP के तरीके से काम करने के लिए, उनके थ्रू अपनी ITR फाइल कर सकते हो, लेकिन सब लोग नहीं, वो ही लोग जो स्पेसिफाइड क्लास या क्लासेस ऑफ पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। तो सर कौन कौन है? तो मैंने यहां लिखा स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन। एक बात तो लॉजिकली आपको समझ में आनी चाहिए, जिस असेसी के अकाउंट्स 44AB में ऑडिट होना जरूरी है वो TRP के थ्रू फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि अकाउंट्स ऑडिट होने के लिए यू आर नीड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो जब आपके पास चार्टर्ड अकाउंट की आप सर्विसेज ले रहे हो तो TRP के थ्रू नहीं करोगे, क्योंकि TRP तो अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर सकता है। तो एक तो लिखा हुआ ए पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स। जिसके भी अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है, चाहे इनकम टैक्स में चाहे किसी और लॉ में, वो TRP के थ्रू नहीं करेगा। लिखा हुआ है बट शैल नॉट इंक्लूड एनी पर्सन, कोई भी कर सकता है TRP के थ्रू बट शैल नॉट, तो कौन नहीं करेगा? जिसके अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है। और कंपनी ऑलवेज वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड और नॉट टू बी ऑडिटेड, इन दो को छोड़कर ये एक्सक्लूजन है। इनको छोड़कर कोई भी असेसी TRP के थ्रू अपनी ITR को फाइल कर सकता है। एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम बट शैल नॉट इंक्लूड ए कंपनी एंड ए पर्सन whose books of accounts are required to be audited under section 44AB or under any other law for the time being in force। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर एक बात और बता दो तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। TRP हो कौन कौन सकता है, बन कौन कौन सकता है? तो लिखा हुआ है TRP मे बी एन इंडिविजुअल बट शैल नॉट इंक्लूड। नीचे लिखे चार लोग TRP नहीं बन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी TRP बन सकता है। दो तो जो मैंने बोले, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक लॉयर लीगल प्रैक्टिशनर हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन ए सिविल कोर्ट इन इंडिया। हाँ जी सर, ये बात तो ठीक है, उन प्रोफेशनल्स से बचाने के लिए ही तो TRP बनाया जा रहा है। तो इन दो को तो TRP नहीं बनाया जा सकता है। और किन को छोड़ा गया? एनी ऑफिसर ऑफ ए शेड्यूल्ड बैंक With which assessee maintains a current accounts or has other regular dealings। जिस बैंक में assessee का current account है या जिस बैंक से उसकी daily basis पे dealing होती है, उस बैंक का officer उस assessee के लिए TRP नहीं बन सकता है। और fourth लिखा हुआ है employee of the specified class or classes of persons। स्पेसिफाइड क्लास जो ऊपर लिखे थे, मतलब जो ITR TRP के थ्रू फाइल करवा सकते हैं उनका एम्प्लॉई, उनके लिए TRP नहीं बन सकता है। मतलब असेसी का एम्प्लॉई असेसी के लिए TRP नहीं बन सकता है। तो जिस बैंक से आपकी डीलिंग से यह करंट अकाउंट है उसका ऑफिसर आपके लिए नहीं बनेगा।
आपका एम्प्लॉई आपके लिए टीआरपी नहीं बनाएगा, और दो लोग जो तो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स ऑलरेडी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लीगल प्रैक्टिशनर जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, ये टोटल चार लोग टीआरपी नहीं। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो 139AA आधार कोड करने का सेक्शन था और 139B टीआरपी टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयरर्स। ठीक है सर, हाँ जी सर, समझ में आता है। अगर ये समझ में आता है तो फिर अब करते हैं वेरीफाइंग ऑफ रिटर्न सेक्शन 140। आईटीआर जब आप फाइल करते हो तो आईटीआर को वेरीफाई कैसे किया जाएगा? तो वेरीफाई करने का मतलब होता है हु विल साइन द आईटीआर, सिग्नेचर किसके होंगे। द रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी साइंड, और किस असेसी के केस में कौन साइन कर सकता है। जैसे एक दो पढ़ लेते हैं, इन केस ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ, लेकिन अगर वो इंडिया से एब्सेंट है तो जिस पर्सन को भी ड्यूली ऑथराइज किया होगा। अगर वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड है या मेंटली चैलेंज्ड है तो लीगल गार्जियन या एनी अदर पर्सन जो उसके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा, या फिर कोई और रीजन है, तो जो भी ड्यूली ऑथराइज पर्सन होगा वो असेसी के बिहाफ पे, अगर असेसी इंडिविजुअल है, आईटीआर को साइन कर सकता। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म मैनेजिंग पार्टनर, लेकिन अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है या मैनेजिंग पार्टनर किसी वजह से एबल नहीं है साइन करने के लिए, तो कौन कर सकता है? एनी पार्टनर ऑफ फर्म नॉट बीइंग माइनर, कोई भी एडल्ट पार्टनर आईटीआर को साइन कर सकता है। एलएलपी के केस में बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, लेकिन जो मैनेजिंग पार्टनर है उसको बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। HUF के केस में कर्ता कर सकता है, लेकिन कर्ता अगर इंडिया में नहीं है या मेंटली चैलेंज्ड है तो कोई सा भी एडल्ट मेंबर कर सकता है। तो अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप ये सारे पढ़ लेना कि कौन कौन साइन कर सकता है, इसको ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं। तो अब इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। 139 सब सेक्शन 1 में हमने देखा आईटीआर फाइल करना कब जरूरी है, और इसके साथ हमने किया 6 प्रोवाइजो, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, एनी अदर पर्सन, तो स्पेशल प्रोविजन था। 139(1) के अंदर ही टाइम लिमिट भी दे रखी थी। फिर हमने देखा 4th प्रोवाइजो और 5th प्रोवाइजो, कंपल्सरी फाइलिंग। अगर इंडिया से बाहर एसेट लोकेटेड है, उस रेस्पेक्ट में अगर आप बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी हैं, तब आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन 5th प्रोवाइजो कहता है अगर बेनिफिशियरी की इनकम बेनिफिशियल ओनर की इनकम में क्लब हो रही है तो बेनिफिशियरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। इसके बाद 139 सबसेक्शन 4A किया था, 4B किया था, 4C किया था और 4D किया था, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, कुछ इंस्टीट्यूशंस जिनकी इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्ट होती है, और सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में जो इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज अप्रूव होते हैं डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए। फिर 139 सब सेक्शन 3 रिटर्न ऑफ लॉस किया था, और इसको सेक्शन 80 के साथ हमने पढ़ा था। फिर 139 सब सेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न, फिर 139 सब सेक्शन 5 दैट इज द रिवाइज रिटर्न, फिर 139 सब सेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न। इसके बाद 139AA कोटिंग द आधार नंबर, 139B टीआरपी, और सेक्शन 140 जो अभी अभी हमने यहां पे किया, सेक्शन 140 वेरीफाइंग ऑफ रिटर्न। अगर ये सेक्शंस आप सीरियसली कर लेते हो और इस वीडियो को एक दो बार देख लेते हो तो 99% आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आपको फायदा होगा। जो आपका 139 सबसेक्शन 5 है रिवाइज रिटर्न, इट इज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2017, इसलिए इसको बहुत सीरियसली करना। प्लस जो कोटिंग ऑफ आधार है ये भी इंसर्ट किया गया है बाय द फाइनेंस एक्ट 2017, तो इसके लिए भी थोड़ा ज्यादा अटेंशन के साथ पढ़ना।
इस इंफॉर्मेशन के साथ इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, दैट इज असेसमेंट प्रोसीजर।